चल मेरी पत रखियो बला झूले लालन हो लाल मेरी हो लाल मेरी पत रखियो बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर लबे दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हो लाल मेरी ओ चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा चार चराग तेरे बलन हमेशा पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन ओ पंजवा बालन ओए 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 पंजवा में बालन आयो बला झूले लालन सिंदड़ी दा सेवन दा शहबाज कलंदर तमा दम मस्त कलंदर सखी शहबाज कलंदर लबे दम दम दे अंदर अली दा पहला नंबर हुसैनी लाल दमा दम मस्त कलंदर 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 हो लाल मेरी हो अस्सलामुअलैकुम तमाम लोग खुशामदीद कहते हैं सदर आते ही थका देते हो यार इतना स्टैमिना नहीं है हमें अब अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन आप सबको खुशामदीद कहते हैं आपकी अपनी चैंपियंस लीग में और जैसा कि आप जानते हैं कि खुश रहो पाकिस्तान और गेम शो ऐसे चलेगा कि टीम्स हमारे साथ होती हैं लेकिन हर हफ्ते एक नया ट्विस्ट आता है ट्विस्ट ये आता है कि कोई ना कोई हमें जरूर ज्वाइन करता है तो आज सलमान भाई किस किस ने हमें ज्वाइन किया है बताइए ओके गेम शो ऐसे चलेगा मैं आज कौन कौन है मलिक साहब बताइए ईमान है हमारे साथ नए कंटेस्टेंट ईमान ईमान के लिए बहुत सारी तालियां फहीम भाई बिफोर वी स्टार्ट हाँ जी आज दरअसल मैं बाहर से आया ये थॉर का हैमर तुमने गले में लटकाया हुआ है मैंने खास वजह अपनी भी सेफ्टी के लिए ना बाहर हवा बहुत तेज चल रही है आज बाहर धूप भी बहुत तेज निकली थी शर्ट में तुम्हें किसी ने मारा तो नहीं तुम्हें ना मैं सुने क्या कह रहे हैं मैं अपनी जो टीम वाली जी सेक में हमारी प्यारी से हरीम बैठी हुई है तो उड़ ना जाए उनके लिए मैं गिफ्ट लेकर आया हूँ ये अच्छा। लेके बैठे खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए हरीम अच्छा ये हैवी है हरीम ये आपके लिए गिफ्ट आया प्लीज कबूल करें इसको दिस इज हैवी वेट है पेपर वेट जिसे कहते हैं आप उड़ ना जाए हवा बहुत तेज चल रही है ना आज एक मिनट इधर आओ बिलाल जरा अपने ग्लासेस देना सदका दो इसका नीचे ना गिर जाए हरीम ये ग्लासेस भी पहन लो ऐसा जहरीला कलर देख के कहीं तुम्हारी आंखें चुभिया ना जाए ओके तो ईशा राइट ईमान ईमान माइक में बात करें ना क्या हो गया वो किस लिए दिया है आपको ऐसी प्रॉप थोड़ी है क्या करती हैं आप कुछ भी नहीं भाई जो लोग कुछ नहीं करते वो कमाल करते हैं तो ये तो कमाल करती हैं क्या हाल चाल है आपका कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके टेंशन वेंशन है क्योंकि जिस टीम में आप बैठी हुई है वो पिछले 3 मैचेस लगातार हारी है आपके आने की वजह से जी मलिक साहब लगता है ऐसा नहीं आज जीतेंगे नहीं, आज पूरा बिल्कुल जबरदस्त जब शेर दो कदम पीछे लेते जीतोगे ऐसे जीतेंगे धरती पे बोझ अच्छा शेर कुछ आज इसको भी चाबी देकर घर से भेजा गया है फहीम भाई फहीम भाई बोल रहे हम लोग अरे यार उसका शेर तो कंप्लीट होने दो फहीम भाई हम लोग 3 दिन से लगातार हार रहे थे तो शेर जब 2 कदम पीछे लेते जी 3 हफ्ते से लगातार हम हार रहे थे शेर जब 2 कदम पीछे लेते ना 4 कदम आगे बढ़ने के लिए लेता है तुम लोग छोड़ेंगे नहीं है सही है शेर आगे बढ़ने के लिए तैयार है चलो वेरी गुड और हमें इन्होंने भी नया ज्वाइन किया है माशाल्लाह से क्या नाम है भाई साहब आपका मेरा नाम साहिल है साहिल साहिल पे खड़े हो तुम्हें क्या चले जाना ऐसे डूब रहे हो या अभी डूबे नहीं अभी नहीं डूबा अभी नहीं डूबे तो साहिल क्या लगता है आज जी सक जीत जाएगी तुम्हारे आने की वजह से इंशाल्लाह मैं आगे इंशाल्लाह जीत जाएंगे इंशाल्लाह अच्छा मजाक करते हो तुम एक मिनट याया जवाब देगा इस बात का जवाब याया से लेंगे हम क्या मस्त जोक मारे हंसना चाहिए इस बात पे तो जामा अपनी शुरली थे हाय हाय हाय
याया नेले पे देला, ये तुम्हारे बालों में बम फटा हुआ है मिस्टर, क्या नाम है? अभी उन्हीं से बात कर रहे हैं। लाओ भाई बम फटे बाल। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? क्या नाम है आपका आजकल? रियल उमर कराची। अरे रियल उमर कराची। उमर कराची, कराची, कराची जी। ये नाम में कराची शामिल है? जी नाम में कराची शामिल है। नाम में ही लगा दिया तुमने? जी जी। टेंशन ही ना लो। फहीम भाई। जी भाई कहाँ हो? ये सर पे ग्रीस लगा क्या है? नहीं यार स्टाइल है। ये शुगली भी बोलते हैं। सिर पे कड़ी गिर गई है। के लिए एक शायरी, एक शायरी, एक शायरी, एक एक। जल्दी से सुना दो। इस शुगली के लिए खास करिए जो बीच में नहीं बैठे। फनी याया। इसके लिए एक बार हंसो पहले। वैसे तो मैं हंसना नहीं आता इसकी बातों पे। शेर सुनाए। डब्बे में डब्बा, डब्बे पे चिंगारी, ये सब है सड़े हुए भिखारी। जवाब देने दे भाई, सबर भाई, जल्दी से जवाब दो, फिर मुझे नए लोगों से बात करनी है यार। तुम कुछ बूंद पानी, मैं गहरा समंदर। तुम कुछ बूंद पानी, मैं गहरा समंदर। मैं भूखा शेर जैसे, तुम दाता दरबार का लंगर। अच्छा भाई यार, अच्छा बात सुन, शेर तो कहीं से लगता नहीं है यार। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, इधर दो, इधर दो भाई। भाई एक और नए साहब बैठे हुए हैं बड़े मौजिज से। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज? इस गैदरिंग में आके आप अनकंफर्टेबल तो फील नहीं कर रहे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। इंशाल्लाह आज जीत के जाएंगे। आज इंशाल्लाह जीत के जाएंगे। क्या तासुरात हैं आपके? देखते हैं वो तो। आपको क्या कसौटी कह के तो नहीं बुलाया था कि कसौटी में आने 20 सवाल देंगे आपको, पर्सनैलिटी गैस करनी है? नहीं नहीं नहीं। आपकी शख्सियत ऐसी लग रही है ना, कसौटी वाले भाई साहब लग रहे हैं। क्या नाम है आपका? आतिफ। आतिफ, आतिफ जी। आतिफ भैया कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक? जबरदस्त है, बेहतरीन है। अच्छा आतिफ भाई से मुझे याद आया यार कि हमारे पास माशाल्लाह बहुत सारे टिकटॉकर हैं, तो आज एक हमारे टिकटॉकर भाई आदिल का कार एक्सीडेंट में जो है वो इंतकाल हो गया है, ऐसी खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर आ रही हैं। तो हमारी तरफ से जो है उनके लवाइकीन से इजारे यकजहती है और सब्र की दुआ कर सकते हैं और उनकी मगफरत की दुआ कर सकते हैं हम, कि वो भी हमारे साथी थे। मैंने अपने प्रोग्राम में कई वीडियोज़ उनकी चलाई भी हैं, तो और उनकी वाइफ काफ़ी रो रही थी, उनकी वीडियो मैंने अभी आते आते देखी जी, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। और बस यही कहूँगा कि मैं अपने शो में हमेशा से यही रिक्वेस्ट करता आया हूँ कि गाड़ी ध्यान से चलाइए, गाड़ी चलाते हुए वीडियोज़ कभी ना बनाएं, बिल्कुल ना बनाए, चाहे जितनी भी स्पीड में आप चला रहे हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए नुकसानदेह हैं। आप लोगों से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग भी बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाते हैं आप लोग भी, तो तमाम लोग एहतियात करें और एहतियात के साथ अपनी वीडियोस बनाया करें। यहाँ पर सब लोग पूरे हो चुके हैं। यहाँ किस किस ने हमें ज्वाइन किया भाई, हमारा ज़रा इंट्रोड्यूस कराओ। फहद भाई हैं हमारे पास नए। फहद भाई से बात करें, सैफ तो हमारे पास पहले भी थे। अस्सलाम वालेकुम फहद। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहाँ से हैं आप? मैं रावलपिंडी। ओहो, पिंडी बॉय जी। क्या बात है, तो कराची जी फर्स्ट टाइम आए? फर्स्ट टाइम आए हैं, यानी आप इससे पहले खुश रहो में भी नहीं थे, गेम शो में भी नहीं, नहीं थे। ओके, तो अब आपने इनको सपोर्ट करना है। वैसे आप विनिंग साइड पे हैं फिर भी, तो आप लोगों ने, अच्छा आप लोगों के बंदे मुझे कम लग रहे हैं, तो आप लोगों के लिए एक और बंदा ऐड कर देते हैं और आपके लिए दो कुर्सियां ऐड कर देते हैं, ठीक है? नहीं नहीं जगह मिलेगी, टेंशन ना लो, फिलहाल उसका बीपी लो हो जाएगा भाई, उसके साइज की कुर्सी यार, तुम्हारा बीपी लो जाए, इसकी सीट नहीं मिल रही। अच्छा ये भी बोलते हैं, थैंक यू। अभी से झगड़े शुरू कर दो, तुम बोल रहे हो, खुशी हो रही है, खुशी। आज जीत के मलिक साहब, आज जीत सकने, जीते बगैर नहीं बोलना है। अच्छा यार इस लड़की ने भी तो हमें नया ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है बेटा आपका? रोहा खान। रोहा खान, आप भी कराची से ही हो? नहीं मैं फैसलाबाद से। फैसलाबाद से, अरे वाह 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 भाई, पूरा पाकिस्तान यहाँ पर आया हुआ है माशाल्लाह, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह से लोग आए, लेकिन कुछ खाने पीने को नहीं लेकर आते, ऐसे ही उठ के आ जाते हैं। क्या बात है भाई, याया क्या हो रहा है ये? हाँ तुम तो यहीं के हो, बाकी जो आ रहे हैं वो क्यों नहीं ला रहे? पर वहां से आते आते खराब हो जाते हैं ना भाई। होने तो खराब यार, तुम लेकर आओ बस, हमें खराब दे दो, हम खराब दे दो, बबल चलेगी, कुछ नहीं आ रहा भाई, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन हमारे पास केआरपी के लिए एक सरप्राइज गेस्ट जरूर मौजूद हैं। आप सबकी तालियों में वेलकम करेंगे हमारे सिद्दीकी बॉस को एक बड़े जबरदस्त शेर के साथ। आर इनकी शेरों शायरी के तो सभी दीवाने माशाल्लाह से, इनकी जब एंट्री होती है तो एग्जिट के साथ एक जबरदस्त लाइन आती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सिद्दीकी साहब? आप खैरियत से हैं? माइक दो भाई, माइक दो, तुम्हारी टीम के माइक दे दो जल्दी से। फड़कते हुए शेर के साथ आपका वेलकम होगा सर, क्योंकि आपकी मशहूरी जो है वो शेर व शायरी बड़ी कमाल है। मुझसे ये मोहब्बत अब ना निभाई जाएगी, आहा, और मेरे जैसी मिसाल कहीं भी ना पाई जाएगी। चांद का ऐलान हुआ, मैं भागा तेरे घर की तरफ, बिना देखे तो मुझसे ईद नहीं मनाई जाएगी। हाय 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 हाय, एक वही आपकी वीडियो के स्टाइल में हो जाए ना, जिस तरीके से आप वीडियो वॉक करते हुए जो वीडियो बनती है आपकी, बड़ी आला होती है। मैं तुझे जब चाहूं हरा सकता हूं, और उसके पास से छीन के तुझे ला सकता हूं, मगर इंतजारे मोहब्बत का तकाजा देखो, पूछ रहा हूं खत्म, मैं जा सकता हूं। भाई खत्म नहीं, अभी शुरुआत है।
आइए तशरीफ रखिए, आप आज केआरपी को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुत सारी तालियां हो जाएं आज, याया टफ टाइम मिलेगा, शेर व शायरी जो है बराबरी की होगी। वो भी हमारे हैं, इसीलिए तो कह रहा हूँ। वो तो गए। क्या कह रहा है यार ये लड़का, कह रहा है तुम लोग तो गए यार बिलाल के लिए, इनके लिए यार प्लीज भाई, बिलाल ऐसे खड़े हुए मुझे अच्छे नहीं लग रहे। उनके लिए तो मैं ही भारी था, अब तो सिद्दीकी बोस भी आ गए। इतना हम हल्के में मत लो भी, सहारा लेके जीतने की बात कर रहे हैं, हम अपने दम पे जीत के तुम्हें दिखाएंगे। भाई तुम्हारे पास चार सहारे, पांच है, तुम्हारे पास तो पांच पिलर्स आए हैं। फहीम भाई तुमने जो इनके खिलाफ आवाजें लगाई वो अच्छी है, और एक आप ही तो पारसा है, आप ही तो सच्ची हैं, सुना है सारा शहर आपकी उंगलियों पे नाचता है, तो सुनिए ये बाप हैं, आप अभी बच्ची हैं। ओए होए 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 हैवी हो गया भाई, ये वाली साइड हैवी हो गई है, कभी कभार बच्चे ऐसा लग रहा है जाते हैं। कुछ ऐसा लग रहा है कि हैवी हो गई है। अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, आप तो शेर व शायरी में लगे रहते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि ये वीडियो शीडियो जो लोग बनाते हैं इन्हें बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है ना जी, बिल्कुल क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता होगा आपको भी, बिल्कुल ऐसे है बिल्कुल। तो राहत इंदौरी साहब ने इस क्रिटिसिज्म के लिए क्या खूबसूरत एक शेर गाया, आपकी इजाजत हो तो अर्ज कर दूं। बिल्कुल बिल्कुल है, अभी गनीमत है सब्र मेरा, वाजी वाह, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं, वाजी वाह, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं, समझ वो मुझसे कहता है वाह वाह कि चंद दिन में, वो मुझसे कहता है कि चंद दिन में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है, है मेरी फितरत डरा नहीं हो। तो आज का मुकाबला शुरू होने जा रहा है टॉस से, और देखते हैं कौन जीते। बिलाल कुछ कहना चाह रहे हो? मेरा मेकअप खराब हो गया सारा सर। भाई बिलाल के पास सीट नहीं है, मेकअप खराब हो गया, सेलिब्रिटी का मेकअप खराब हो गया, इतनी बुरी बात है यार, बिलाल के लिए सीट लाओ। वहीं भाई हाँ जी, शेर मेरे पास भी है, उमर के लिए शेर है, लोग कांधों पे भी जब उठाते हैं जब बंदे को खाक में मिलाना होता है। वेरी गुड वेरी गुड, बिलाल के लिए जवाब है, जवाब है, जवाब, उसने सवाल ही नहीं किया। वाह वाह क्या शायरी थी, जबरदस्त शायरी, जबरदस्त शायरी। रिक्वायरमेंट के लिए आया था कि मुझे कुर्सी दे दो। नहीं अगर बिलाल इजाजत दो तो यहाँ से सल्यूट मारूं या आके मारूं सर उसको? हाँ जी बहुत जबरदस्त शेर पढ़ा है, दिल खुश हो गया, दिल खुश हो गया। नहीं नहीं बस यहीं से सल्यूट करने का, भाई यहीं से शमा है महफिल को बुझा दिया जाए, बिल्कुल बुझा दो, राख कर दो, खाक कर दो भाई, इनको कुर्सी दो। और कैप्टन्स के लिए आज मैं चाहूंगा कि आपको गेस्ट ज्वाइन किया है तो सिद्दीकी बॉस को यहाँ का कैप्टन बनाते, ठीक है? ठीक। और जरनाब आ चुकी हैं, जरनाब अस्सलाम वालेकुम, माइक लीजिए। आप जो हैं वो लेट हो गई हैं? हाँ जी मैं थोड़ी लेट हो, ट्रैफिक था? नहीं नहीं डबिंग की वजह से। डबिंग की वजह से, ओ वेरी गुड, तो कहाँ डबिंग किया आपने? आप अपना कैप्टन चूज कीजिए या बिलाल के लिए कुर्सी ले आओ, सीरियसली प्लीज बिलाल तुम इधर आ जाओ, इधर आ जाओ मेरे साथ आ जाओ तुम, हम दोनों यहाँ बैठेंगे जब तक तुम्हारी कुर्सी नहीं आती, चलो आओ बैठ जाओ, कुर्सी हम बैठ गए, बस ठीक है यार। आपका कैप्टन कौन है? हमारी तरफ से सैफ कैप्टन है आज, सैफ कैप्टन है, ओके। आपकी तरफ से? मैं हूं सर, मलिक साहब, बड़बोला साहब, बड़बोला हमारे शो का बड़बोला, मलिक बड़ी बातें करते हैं, जो खेल रहे हैं, खुद ही कैप्टन हो गए तो बेचारे को किसी ने नहीं कहा तू बन जा, मैं हूं वोटिंग है सर। एक बात पहले ये बंदा भाई ये क्या है, साफ मुंह खोल के बात करो, समझ में भी आए, मलिक मतलब खुद ही जोक्स मारता है, खुद ही उस पे हंसता है, क्या वजह? बिलाल तुमने इसे कैप्टन बनाया? सारा फन सर, पहले से हमने डिसाइड किया है, बिलाल से पूछेंगे, बिलाल ने कैप्टन बनाया, आज मेरे को ख्वाहिश थी, मेरे को बनने का, आपकी ख्वाहिश थी, अगर आप इजाजत दें तो। नहीं तो फिर एक काम करते हैं, आप दोनों में एक कॉम्पिटिशन होगा, जो जीतेगा वो कैप्टन, क्यों क्या होगा कॉम्पिटिशन, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ नहीं फिर इन्हीं को बनाया, फिर नहीं हमने डिसाइड किया था पूरी टीम ने, अरे वाह, तो बाबर ने ऑप्शन दे दिया, पुशअप्स होंगे, जो जीतेगा वो बनेगा, आ जाओ चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेरी गुड बिलाल और मलिक के पुशअप, पुशअप पुशअप बिलाल, आ जाओ बिलाल, कौन पहली बार शो में डायनासोर का अंडा भी पुशअप मारेगा, तुम्हारी टीम का है, तुम्हारी टीम का है सर, मुझे पुशअप्स लगाने नहीं आते, सीधी सी बात, तो फिर तुम बताओ क्या किस में तुम कॉम्पिटिशन करना चाहोगे, इनको कैप्टन बना है, नाम चीज जगह खेले तुम दोनों के साथ, क्या कैप्टन बना दे, इन्हीं को बना दे, चले फिर आप कैप्टन डिसाइड हो चुके हैं, पुश तो हो जाएगा, अब नहीं हो पाएगा, कैप्टन्स के लिए टॉस आ जाए कैप्टन, अच्छा उसे यकीन ही नहीं आ रहा वो कैप्टन बन चुका है लड़के को, वापस चला गया, बिलाल जाओ तुम बैठ जाओ कैप्टन की कुर्सी पे, हाँ जी कैप्टन, हेड या टेल,
टेल टेल है टेल। लेकिन उससे पहले फेस ऑफ तो हो जाए ना, आप दोनों का आमने सामने आ जाए, जरा एक दूसरे को वार्निंग दे दी रही है और तमीज के साथ वार्निंग हो। इसको क्या वार्निंग दूं, थोड़ा जोर से बोलूंगा आवाज को लेके जाएगा। खुद तुम शर्ट खुली पहन, इसको इस बेचारे को घर पे दही लेने के लिए नहीं भेजा जाता, इन्होंने इसको कैप्टन बना दिया। ये दही लेने जाता है, इससे बच्चे पैसे छीन लेते हैं, तुम लोगों ने इसको कैप्टन बना दिया। जालिमो अब तो तुम लोग हार गए, जलील होने के लिए तुम लोगों ने इसको कैप्टन बना दिया। धरती का बोझ आज इसको चाबी दिया है। मालिक 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 मालिक, चलो एक मिनट, कॉल कॉल मालिक की है, हेड या टेल? टेल 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 टेल। वाह भाई, हमेशा से जीतता आ रहा हूँ। आ जाओ सर, बैठ जाओ, फेस ऑफ हो गया, देखते हैं पहली गेम कौन सी है, पहली गेम ले आओ। धरती पे बोझ, बोलो बोलो बोलो, इस बेचारे को भी चांस। ये वाली गेम है, ये ₹5 वाला चूजा लगता है, वो जो ₹5 में नहीं मिलते यार। देखो गेम, अच्छा एक नया रूल सेट कर रहे हैं हम, गेम के दौरान कोई नहीं बोलेगा वरना पॉइंट्स माइनस हो जाएंगे और अपनी बारी पे बोलेंगे, ठीक है? ओवरलैपिंग बिल्कुल नहीं होगी। गेम आ गई है, बताओ खुद खेलना है या सामने वाली टीम? नहीं नहीं, हम डिसाइड करेंगे, सिर्फ कीजिए सामने वालों से ही खेलो। सामने वालों से कौन आ रहा है? सैफ तुम्हारी टीम से कौन दो लोग आएंगे? गुंगे की टीम से माही और हमार। माही और हमार। एक नया रूल और बता दें, जो टीम, जो भी टीम हारेगी उसका एक बंदा जाएगा जेल में। ये कटहरा जो है ये जेल है, यहाँ जाएगा और उस वक्त तक बाहर नहीं आएगा जब तक सबसे पहले मालिक जाएगा। फिल्म के ये मोटर उतारते हो, पकड़ा गया था इधर। साहब इधर आओ, बात सुनो पहले, फिर बाद में बोलते हो हार गए हमें नहीं पता। माइनस पॉइंट्स पे फिर अब्दुल रहीम तुम लोग रोते हो यार, क्या कर रहे हो? वैसे जो मैच हारोगे, हारने वाली टीम का प्लेयर जाएगा इस कटहरे में और जब तक वो टीम कोई मैच जीतेगी नहीं वो बाहर नहीं आएगा। और फहीम भाई ये पूछना था, अगर एक टीम लगातार कंटिन्यूस हार रही है तो लगातार उसमें जाएंगे? जाते रहेंगे हर गेम के। अगर अगर जगह फुल हुई, खेल रहा है क्योंकि एक गेम है एक बंदे की, ये तो टीम गेम है दो लोगों का है, एक जो सोलो गेम होगी वो बंदा जाएगा अंदर। चलो जल्दी से जाओ, कौन खेलने के लिए आ रहा है बताओ? हमाद और माही। ओके हमाद और माही खेलने के लिए आ रहे हैं। गेम आपको पता है कैसे खेलनी है, ठीक है? चलो आ जाओ, सिद्दीकी भाई के शेर से आएंगे। यार सिद्दीकी भाई आए हुए, इनके शेर व शायरी का मैं फैन हूँ यार, क्योंकि मुझे खुद भी थोड़ा बहुत शौक है, तो एक शेर हो जाए। मैंने तुझे सबसे ज्यादा अहमियत दी थी, आहा, और तू गैर की हो रही थी, तेरी बहुत मिन्नत की थी, लोगों की नियत खराब है तू कब समझेगी, मैंने तो तेरे साथ उम्रे की नियत की थी। वाह 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 वाह, क्या बात है, तैयार है? एंड योर टाइम स्टार्ट मेरा साथ नाउ। तू आएगी ना ही चैन आएगा मेरे आंगन पे, हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। ना तू आएगी ना ही चैन आएगा, ना तू आएगी ना ही चैन आएगा मेरे आंगन पे, हरी बेलों का पत्ता पत्ता सूखता जाएगा। ना तू टाइम ऑफ ये काउंट नहीं, हाँ ये हो गया ना फाइनल, तो इन्हीं का एंड है, काउंट है। कितने हुए? 17 पे खतरा मलिक साहब, 18 17 कर दिया, 17 कर दिया, 18 करने। ये ₹5 वाले चूजे वो आना चाहे आ जाए, टीम गेम है, रुको एक आ जाओ। अच्छा आज जवाब मलिक साहब खेल के ही देना है क्योंकि कोई सर, आज हम इनको जवाब खेल के देंगे, सिर्फ खेल के जवाब देंगे, खेल के देंगे, कोई रोस्टिंग नहीं होगी, ठीक हो गया? आज सिद्दीकी बहुत से भी गेम खिलाएंगे यार, अभी हम क्या खेलेंगे? आपने तो सिर्फ इश्क की बाजी खेली है। माइक मैं सिर्फ और सिर्फ कलम से खेलना चाहता हूँ, वही ना इश्क की बाजी खेली है ना आपने तो सिर्फ, कह सकते हो। और वो अपने कौन सा शेर था यार, ये बाजी इश्क की बाजी है, जो चाहो लगा दो डर कैसा, घर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात बाजी। तो आपने तो इश्क की बाजी खेली है सर। हाँ भाई साहब डिसाइड हुआ या कल खेलेंगे? आतिफ और मेरी आएंगे हमारी तरफ से, आ जाए आ जाए आ जाए, और हेल्प करने के लिए तुम आओ, मेरी और आतिफ आएंगे, आ जाओ भाई, किसी और को भी भेज, चलो बट टाइम स्टार्ट होने लगा, जल्दी से आ जाओ यार। हाँ कैप्टनसी आपकी ड्यूटी है कि हर बंदे को सोलो गेम आपने खेलवानी है, ठीक है? दोनों कैप्टन सैफ, बेटे तुम कैप्टन इतने वजन के साथ बन गए हो लग नहीं रहा, तुम्हारे साथ वही हुआ है जो शाहिद की वजह से सैफ को मिला है वही तुम्हें मिला है मेरे ख्याल में इस बार। ओके रेडी
Your time starts now. मिलने वालों के सब सवालों में कल भी तुम थी आज भी तुम हो कल भी तुम थी आज भी तुम हो इन सवालों में जो इशारे हैं देखना उनका पेट खुल जाएगा ना तू आएगी ना ही चैन आएगा ना तू आएगी ना ही चैन आएगा रिवर्स रिवर्स टाइम ऑफ काउंटिंग और ऐसा लग रहा है कि ये लोग हार चुके हैं तो जश्न मनाएगी KRP मिलने वालों के सब सवालों में मिलने वालों के सब सवालों में कल भी तुम थी आज भी तुम हो कल भी तुम थी आज भी तुम हो इन सवालों में जो इशारे हैं देखना होगा पेट खुल जाएगा ना तू आएगी ना चैन आएगा ना तू आएगी लेकिन आ गई है और जीत की बारी एक मरतबा फिर KRP को 3 points मिल गए क्योंकि ये टीम गेम था तो कटहरे में कौन जाएगा मुझे अभी सलमान मैंने बताया है कि टीम गेम में भी कटहरे में जाना होगा डिसाइड करेगी KRP मलिक तो कैप्टन बोले तुम्हें पावर रूल्स का नहीं पता कैप्टन नहीं जाता आह 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 तुम लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर कैप्टन को 13वें खिलाड़ी की जगह रखा जाता है जूते उठाने के लिए तो कैप्टन कहीं नहीं जाएगा चलो कौन जाएगा जल्दी बताओ यार उमर आ जाओ ये आपका कटहरा है यहाँ खड़े हो जाए आप वहां जाना है सही, नहीं, सही ये आ गए ना बस ठीक है एक माइक इन्हें दे दें यार ताकि इनका दिल करे कुछ बोलने का थे बेचारे बोल तो सके फहीम भाई शेर है लाए डंडे पे मारा डंडा टूट गया डंडा डंडे पे मारा डंडा टूट गया डंडा वो देखो शितर मुर्ख का अंडा सर वो जो टूटा हुआ डंडा था वो इसकी तरह कमजोर था इसीलिए टूट गया डंडा ओ या सलाद पे डालते हैं लीमू का रस सलाद पे डालते हैं लीमू का रस चल बेटा नाच लग रहा है सूखा हुआ केक रस बस 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 केक रस बस बस भाई आप हार चुके हैं आप पहला मैच हार चुके हैं टीम गेम हार चुके हैं 3 points हार चुके हैं अगला गेम आप खेलेंगे या इन्हें खिलाएंगे ये गेम देखकर डिसाइड करेंगे ले आओ जब तक मैं जरा कटहरे में बात कर लूं हां भाई गेम देखकर डिसाइड करेंगे एक मिनट अभी बात हो रही है कैदी से कैसा फील कर रहे हैं दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है दिल गार्डन गार्डन सा हो रहा है आपके लिए तो लग रहा है रोज की बात है रोज की बात है उमर खुश है जी अल्लाह करम जबरदस्त हां मजा अपनी टीम को रिक्वेस्ट कर लीजिए कि गेम जीत जाए वरना आप भाई यार गेम जीतो यार क्या कर रहे हो यार ए यार अरे खेला हो जाए मैं अंदर को खेला भी नहीं था ओ भाई इसने तो आते ही रोना धोना शुरू कर दिया यार इस शेतर मुर्ख के लिए प्लीज जीत जाओ यार जिसके बालों में ऑलरेडी बम फटा हुआ है यार डिसाइड करेंगे मैं अदाओं पे मैं फिदा हूं फ्री मत होना मैं अदाएं पीछे से निकाल दूंगा अदाएं मत अपना ही चल रहा है कुछ हां मैं अदाएं कहीं और से निकाल दूंगा ख्याल करना फिर आप जेल में हो मजीद कितना जेल में जाओगे यार ऐसी हरकतें करके बस कर दो वही तो बंदे को बगैरत होना चाहिए बाकी खैर है कौन खेल रहा है पहले ये लोग खेलेंगे यार बड़ा ही कोई खैराती अस्पताल वाला कैप्टन है ये कसम से इसकी कोई से नहीं है भाई कौन खेल रहा है पहले ये लोग खेले ना ये लोग खेलेंगे हाँ जी ओके मलिक साहब किसे भेज रहे हैं मेरे ख्याल में ये गेम हरीम का है ऐसा ही है हरीम ही खेलेगा आ जाओ हरीम जल्दी से आ जाओ ये फिर से हारने मैं तुम्हारे इससे ब्रश उठाया जाएगा इससे ब्रश उठाया जाएगा देखो हरीम अगर ये मैच ये गेम तुम लोग जीत गए तब जाकर के तुम्हारा बंदा जो है उमर तुम्हारी टीम का लड़का वो बाहर आएगा कटहरे से और उनमें से किसी एक को भेजा जा सकता है ओके हरीम ब्रश का वेट ज्यादा नहीं है रेडी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ मैं भी कहूँ तुम भी कहो दम दमा दम पास कोई गम न रहे दम दमा दम आज यही शोर है दम दमा दम आज यही
एंड टाइम ऑफ टाइम ऑफ। दरअसल ब्रश का वजन बहुत ज्यादा था, हरीम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। स्कोर हुआ है हरीम। अरे यार ये यूज्ड टूथब्रश किसने रख दिया यहाँ पे? हरीम किसका है? हरीम ब्रश का वेट ज्यादा था बहुत। हरीम उठाया नहीं जा रहा था। हरीम सदका दिया करो, वजन उठाने लगी हो। कौन आ रहा है? ओवरलैपिंग नहीं होगी, माइनस पॉइंट्स मिलेंगे, ओवरलैपिंग नहीं होगी। कौन आ रहा है? इस्मा भी तुझे। इस्मा आ जाओ भी। इस्मा इस्मा आ रही है खेलने के लिए। यहाँ से तीन स्कोर करना है। इस्मा तैयार हो? उमर मुझे लग नहीं रहा कि तुम इस मरतबा बाहर निकल पाओ। यही लग रहा है, लग रहा आ सकता। ये वैसे भी ये गोल्डन बॉल वाली मूर्ति अंदर ही अच्छी लग रही है। नाउ मैं भी कहूँ तू भी कहे दम दमा दम, पास कोई गम न रहे दम दमा दम, आज यही शोर उठे दम दमा दम, आज यही शोर उठे दम दमा दम। अब दूसरे में डाल। चलो भाई आप मलिक साहब, मजे वाला सीन ये होने वाला है जी जी के हमारे प्यारे उमर भाई को कंपनी देगा आपका कोई एक और। वैसे भी ये गोल्डन बालों वाली मुर्गी को मसला हो रहा होगा अंदर अकेले ना। अच्छा है, कौन आएगा? मैं बता रहा हूँ फिर। आप बता रहे हो आप किसे? दहन साफ करके आया करो। अहमद 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 चैंपियंस की खाला। आ जाओ, एक बात पूछनी थी। जो कटकरे में होगा वो भी गेम खेल पाएगा, उसको भी निकाल के हम खिला। आप जीत जाए उसे निकाल ले। नहीं अगर जब वहां से हम चाहते फिर तो ये सारे अंदर आ जाएंगे। उसके लिए आपको गेम जीतना है। गेम जीते हैं कटहरे से जिसे चाहे निकाल लीजिएगा, ठीक है? बहुत अच्छे लग रहे हैं अंदर। तैयार हैं? ओके के आर पी अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम तुम ही हो, अल्लाह की कसम तुम ही हो। क्या लग रहा है दो बंदे इनके जेल में भेजेंगे? नहीं आज इंशाल्लाह ये सारे जेल में भेजेंगे। हाँ। क्योंकि ये बार बार बोलते हैं जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे। मैं एक शायरी अर्ज करूंगा। ये पथक की तरह बोलता है, बच्चों की तरह खेलते है, शो जितना बच्चों का काम नहीं है, चलो घर का रास्ता खाली है। और इसके लिए इसके लिए इसके लिए ये वैसे ये शेर हुआ नहीं यार, ये शेर हुआ नहीं। और सर इसके लिए शायरी नहीं करो चाइनीज बंदर, इसके लिए इनके लिए इसके लिए बात बोलनी है इनके लिए। इनके लिए शायरी नहीं करो, वही शायरी करो 1980 की। एक और आशिकी लाओ, ये करो और ये करो और ये सब पे पसंद हो गया। देखो बिलाल 1980 की शायरी का ताना मत दो इन्हें, वो देख रहे हो एक बंदा वहाँ पे खामोश बैठा हुआ है, हटो। उसने शायरी शुरू कर दिया, दीवान जल जाएंगे यहाँ पे बहुत सारे। सर एक शेर जो है वो केआरपी के लिए। अच्छा केआरपी के लिए एक शेर कंप्लीट होने दो। सर जो तोड़ दे इस चट्टान को ऐसा कोई पानी नहीं, आहा। बस गेम की बात करो, दूसरी कोई कहानी नहीं, और इनके खून में खिलाड़ीपन शामिल है। केआरपी तेरा दुनिया में कोई सानी नहीं। चांदनी रात आई है, अभी देखो तुम्हारी हार आई है। चलो ये अकड़ और ये गरूर ये सब है बेफजूल, ये अकड़ और ये गरूर ये सब है बेफजूल, इसको कुछ कहना आता नहीं आता, फिर जाते बेफजूल। चलो आ जाओ बैठ जाओ। सर एसी बंद करा दो, बहुत ठंडा था ना, अभी बंद करा, एसी बंद कर दो भाई, ऐसे ही बैठे शायरी, इसीलिए अब सारी हवा बंद करेंगे। गेम खेलनी है हमने, नेक्स्ट गेम लेकर आए, कौन खेलेगा आपने डिसाइड करना है, आप लोग जीतेंगे। अरे वाह एक और, अरे वो ही खेल, बड़ी मजे की गेम है। फहीम भाई वो ही खुद खेलेंगे। कौन खेलेंगे? क्योंकि हम चाहते हैं खोर आ जाए। आप लोग खेलेंगे? वो लोग खेलेंगे। मलिक साहब कौन खेलेगा? डेमो करा दे, बहुत सारे नए लोग आए यार बाबा। डेमो देखो, जिसे भी भेजना भेज दो, हारना ही है तुम लोगों ने। डेमो देख ले, डेमो देख ले ध्यान से। चलो मेरी टीम वालों, मेरी टीम वालों, मलिक भाई यार तुम्हारे मलिक भाई हार रहे हो बार बार। मलिक भाई एक मिनट, मलिक भाई जेल में मेरा बहुत दम घुट रहा है, मुझे सांस नहीं आ रही, निकालो यहाँ से, जीतो गेम को। और पास पास इतने कीड़े भी है भाई।
जेल के हालात पता कर लेते हैं। हाँ जी कैसे हैं? बहुत घबराहट फील हो रही है। खाने पीने को क्या मिल रहा है? गोल्डन सुखी भी दाल मिल रही है, सुखी भी रोटी मिल रही है और इनकी बातें मिल रही है और कुछ भी नहीं। चले आप थोड़ी देर एंजॉय कीजिए, अपने लोगों से बात कीजिए कि जीत जाएं। ओके चले, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? साहिल चलो ग्लास निकाल के दो, ग्लास निकाल के दो, ग्लास निकाल के दो, आ जाओ साहिल। एक बार वो डेमो करके दिखाएगा। अहमद बहुत अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, अंदर ही बैठे रहना। नहीं बलून वेस्ट नहीं होने जाएंगे, निकल जाए तो ये निकल गेम जाए। बिलाल की बनती है, उसमें वो हवा है। तुम ग्लास निकाल के दो। मुझे फिर मेरे घर से निकाल दिया। कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही आ जाओ तुम मेरे साथ हम दर बदर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सोवारी लखवारी दिलदार यार दिलदारी, पर पर नजर न कोई आवे, तक तक निगाह नमहारी, गुहे बंद ने यार बंद रहने, चल रहने, चल रहने रहने चल रहने, मेरे दिल दा हाल मैनु कहने, चल रहने रहने चल रहने, मेरे दिल दा हाल मैनु कहने, एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गवाया, मैनु कुछ न बोल दुख सहने, चल रहने चल रहे, चल रहने दे, एक साइल भारी था भी दूसरा भी भारी होगा। काउंट होने दो, काउंट होने दो। सैफ कौन आएगा तुम्हारे पास? फहद, फहद, फहद आ जाओ। 12, 13। सर एक बात पूछनी थी। ये बलून फेंक दो, पूछे। ये इतना बड़ी हवा है, कुछ शो तो नहीं जाएगा। पहले तुम जीत जाओ, अगर तुम हार गए। खुदा ना खास्ता लाइव शो है, कुछ हो गया बेचारे को, मुझे गम है तुम्हारा। मलिक पहले जीत जाओ, दो बंदे पहले जीत रहे हैं, ये पोजीशन नहीं है भरम कराने वाली, सीरियसली। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं आया भाई, आप बैठे अपने मसले आया भाई, कुछ नहीं, तैयार हो? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं आया नहीं आया दुश्मन सजन न हम साया, लुट लुट जहां क्या फायदा भरम कराने का, रोग रोग ही कमाया, दिन लग गया यार सुख चैने, चल रहने चल रहने रहने चल रहने, मेरे दिल दा हाल मैनु कहने, चल रहने रहने चल रहने, मेरे दिल दा हाल मैनु कहने, एक बेमिसाल सरमाया मैंने अपने हाथ से गवाया, मैनु खुशी न बोल दुख सहने, चल रहने चल रहने चल रहने चल चल रहने दे रहने दे चल रहने दे भाई चल रहने दे बस चल रहने दे, ऑक्सीजन लो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 और 15। सोवरी लखवारी दिलदार यार दिलदारी, पर पर नजर न कोई आए, तक तक निगाह नमहारी, मुहे बंद ने यार बंद रहने, चल रहने मलिक साहब, चल रहने रहने चल रहने, मेरे दिल का हाल मैनु कहने, चल रहने रहने चल रहने, मेरे दिल का हाल मैनु कहने, चल रहने चल रहने, अरे भाई बस चल रहने चल रहने चल रहने दे भाई, उधर तो देखो हाल बुरा है बिचारों का, थाने में उनपे थर्ड डिग्री हो गया है, मलिक साहब थर्ड डिग्री हो गया उनपे। इधर आए, आपको मना नहीं किया था, देखिए बड़ी बड़ी बातें करते पहले ना किया करें। नहीं सर मुझे लगा ये हवा भर भर की बेहोश ना हो जाए, मैंने सिर्फ इसकी हेल्थ का देख के बोला था भाई, वो होश में था, ऐसे लग रहा था, ऐसे लग रहा था, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, कोई एलियन नहीं भाई, इसको ऑक्सीजन दे, क्या कर रहा है साहब? साहब सबसे पहले मुझे ये बताएं जेल में कौन जा रहा है? मैं बताऊंगी, इस बार जाएगा बिलाल,
बिलाल यार वो पूरा नहीं आएगा, नहीं वो पूरा नहीं आएगा। तो अच्छी बात है ना, ये तो सबसे साहिल 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 कौन जा रहा है? साहिल भाई, साहिल भाई आ जाए। नहीं नहीं साहिल दूसरा वाला। कौन सा साहिल? दो हो गए, पुराने वाला राजपूत। राजपूत पहले वो फैसला कर रहे हैं, उनका फैसला हो गया है। ओके मलिक भाई कितने रह गए? मलिक साहब कितने वापस रह गए? मलिक भाई के कितने बंदे रह गए? जी जी बोले अंदर जाने वाले। हाँ हाँ क्या बोल रहे हो भाई, बोलो फिर से। कितने बंदे? थोड़ा थोड़ा माइक ऊपर करो, थोड़ा सा ऊपर करो। कितने बंदे? अब मुंह में नहीं डालो पागल, थोड़ा नीचे, थोड़ा सा नीचे। अब बोलो, अब बोलो यार। उसको दो, उसको जो नासा वाले वाले थोड़ा कम है। जब बंदा तीन दफा हारता है ना तो इसी तरह होता है। अच्छा होश होश बंदे के चले जाते यार, उसे नहीं आ रहा है। ये उसे नहीं होगा। मैं आ गया, मैं आ गया, शेर सुनो, मैं आ गया। पराठे और चने को खाने में आता है स्वाद, पराठे और चने को खाने में आता है स्वाद। को देख के आती है उल्टी, बहुत हार्ड, बहुत चेहरी नहीं बोलने दिया उसने, बहुत हार्ड। यहाँ आ चुके हैं तीन लोग, अब मजे की चीज यार हमारे तो शेर। अच्छा शेर इसका कंप्लीट करवा लो यार, पहले भाई एक मिनट कोई बोलेगा बोल दो, बोल। सबको चुप करा दिया। चने पर एसी भी बंद कर दो, ले आओ। चने पराठे का स्वाद होता है निराला, चने पराठे का स्वाद होता है निराला, मलिक लग रहा है गुज्जर नाला। ओ पहला वाला हार्ट था, पहला वाला हार्ट था। अब करना यह है कि टीम गेम आ रहा है, मलिक तुम्हारे पास चांस है, तीनों खिलाड़ियों को बाहर निकलवा सकते हो। अभी हम खेलेंगे, सोच समझ। टीम गेम है, टीम गेम में पूरी टीम बाहर आ सकती है। अच्छा टीम गेम में पूरी टीम बाहर आ सकती है। हाँ लेकिन खेलने नहीं, जीत गए तो ओके ठीक है। गोल्डन वालों वाली मुर्गी के अंदर कैसा लग रहा है? इंशाल्लाह। और गोल्डन वालों वाली मुर्गी और हमाद, दोबारा मैं बात कर रहा हूँ, बीच में नहीं बोलना है समझे। और जी जी अगर आप ये गेम हारते हैं तो सामने वाला खिलाड़ी जो है वो आपकी पूरी टीम को अंदर ब्लॉक कर सकता है और एक गेम में अपनी पसंद के प्लेयर से खिलवा सकता है। सिर्फ एक गेम के लिए पूरी टीम जाएगी क्योंकि टीम गेम है। समझे हो कि नहीं समझे? समझ गए? पूरी टीम अंदर जा सकती है अगर ये लोग हार गए तो। और सिर्फ एक खिलाड़ी आप चूज करेंगे अगली गेम के लिए कि कौन खेलेगा, और वो एक गेम के लिए पूरी टीम अंदर रहेगी सिर्फ। ठीक है, ठीक है, गेम लेकर आए। हाँ ये ले आए, आ जाए, आ जाए, मजेदार गेम आने वाला है, मजेदार। अच्छा इस गेम के चैंपियंस तो जेल में बंद है, अहमद और साहिल का था ना ये। है जी एक चांस यार, माइक दो, माइक माइक का है, माइक दो, माइक दो, एक मिनट। ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इस गेम में हम एक्सपर्ट है, इन लोग में सारे नए प्लेयर है, इन लोग आप, नहीं खेली जाएगी। आप इनकी टीम से परमिशन ले लीजिए, मुझे कोई मसला नहीं यार जी। आप सैफ से बात कर ले, टोकन से निकाल लो बाहर। अरे भाई देखो ऐसे एक मिनट, सिद्दीकी बॉस कुछ कहना चाह रहे हैं। फहीम भाई जिनको जो लोग रहम की अपील करते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करते। इंसान बड़ा निवाला खा ले, बड़ा बोल ना बोले। बेशक बेशक तोड़े लाए आ गया सी लुकमा। अच्छा ध्यान नहीं था मेरा, सॉरी। अच्छा हुआ नहीं था। ओके तो ये नहीं मान रहे, हम कुछ कहना चाहते, अपील करना चाहते थे कि सिद्दीकी हमारे साथ कुछ न्यू कंटेस्टेंट है, उनको ट्रायल करके ट्राई करवा देते हैं। बाबर अगर ट्रायल, बाबर यहाँ वहाँ कहीं घूम रहे हैं, आ जाओ जॉन। बाबर इन्हें बताओ कैसे खेलना है, आ जाओ, चलो लाओ भाई, सीखो 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 सीखो। ओ ये गिर गए, मिस। हाँ बॉल उस तक जाना चाहिए, ठीक है, गिर गई तो मिस, और एक जगह पे खड़े रहना है, बॉल के साथ चलना नहीं है। ओके चलो आ जाओ, तीन पॉइंट्स का गेम है, कौन कौन खेल रहा है यार? बहुत डर गई है जी सैक, ये डर गए हमसे, हिम्मत नहीं है इनका। मुर्दाना फॉर्मर कैप्टन डर गई है जी सैक। सर ये लोग हमेशा ही डरे रहते हैं, इनको गेम्स तो आती ही नहीं है। हमारे डबिंग आर्टिस्ट से बात कराए ना, सॉरी जरनाब जी। जी जरनाब क्या लग रहा है आपको, आप गेम खेलने के लिए नहीं आएंगी? माइक 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 अभी खेलेंगे ना ये लोग, तो फिर ऐसा करते हैं कि जिस कंटेस्टेंट को अगर ये हार जाते हैं जी, तो फिर आप चूज कीजिएगा कि कौन खेलेगा अगली गेम। ठीक है ठीक, उनके लिए भी सरप्राइज होना चाहिए ना, उन्हें भी नहीं पता कौन किस गेम में एक्सपर्ट है जी। मलिक साहब थोड़ा फुटेज खा लिया मैंने, बता दो कौन खेलने आ रहा है।
आप और साहिल खेलेंगे, ओके डन आ जाए। अच्छा इसमें ना एक इस साइड से खड़ा हो और एक उस साइड से, तो इजी रहेगा। हाँ ऐसे इजी रहेगा। तैयार है? ओके एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। तू अगर संग मेरे तो कदम साथ चले, चांद शर्माए बहुत चांद नीला चले। तू अगर संग मेरे तो कदम साथ चले, चांद शर्माए चांद नीला चले। खिलोटे दिल की गली, खिलोटे दिल की गली, हम जरूर तो ना कभी पानी आ गई यार। इधर आओ मलिक, तुम जाओ साहिल आ जाओ। मलिक आओ, मलिक आओ, मलिक मलिक। टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। तीन सर, एक गोल आपने नहीं देखा। ये कैप्टन ने जीत लिया, इनकी टीम ने कैसे जीत लिया। तीन चार करने हैं, चार करने हैं, चार। कौन आ रहा है? रहीम भाई और हमाद। कौन आ रहा है? रहीम भाई और हमाद, अब्दुल रहीम और हमाद। ओके आ जाओ, रेडी। ओके जाया तुम्हें आते तो तुम खेल लो। अच्छा अच्छा तुम बॉल के लिए हो। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैं तुझे जान कहूँ तू मुझे जान कहे, मैं जीऊँ तेरे लिए तू जिए मेरे लिए। आगे आना है हमारा, तुम्हें आगे आना है, जाओ। मैं तुझे जान कहूँ तू मुझे जान कहे, मैं जीऊँ तेरे लिए तू जिए मेरे लिए। दिल से दिल ऐसे मिले, दिल से दिल ऐसे मिले। हमार 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 घूमे चले तेरी चाहत के दी। ओ सनम, ओ सनम जाबिरी, ओ सनम जाबिरी, जिंदगी कहने लगी मैं तेरा तू है मेरी। ओ सनम जाबिरी, ओ सनम जाबिरी, जिंदगी कहने लगी मैं तेरा। तीन हुए चार करने। ओ सनम जाबिरी, ओ सनम जाबिरी, ओ सनम जाबिरी, ओ सनम जाबिरी। जल्दी जल्दी जल्दी, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ, टाइम ऑफ। अब आपको बता दें सर फहीम, अब मैं बता दूं कि तीन चक्कर, तीन बॉल्स तो चली गई, लेकिन चौथी बॉल जो है वो वहां तक ये ले गए हैं और फिर टाइम पे, यहां पे नहीं, आप यहां तक थे, वो वहां तक लेके गए। यहां पे टाइम, मैंने दोनों की गेम देखी, हम लोग यहां पे थे, मैंने दोनों की गेम देखी है। यहां पर आपका टाइम अप हुआ था, मैंने कॉल किया था टाइम अप, वहां पर उनका टाइम अप हुआ है। वो जीत चुके हैं मेरे। तू अगर संग मेरे तो कदम सा चले, चांद शर्माए बहुत चांद नीरा चले। खिलोटे दिल की गली, खिलोटे दिल की गली, हम फिर रोटो न कभी बात के बाल मेरी। ओ खानम, ओ खानम तुझा मेरी, थोड़ा सा यार तो जा रहा है थोड़ा। जिंदगी कहने लगी मैं तेरा तू है मेरी। ओ खानम तुझा मेरी। ओके आप मोमेंट ऑफ ट्रुथ, पूरी टीम सबसे पहले आ जाए कटघरे में, पूरी टीम, पूरी टीम, क्योंकि तीनों को बाहर निकाला। ओह यार, ओह आगे आ जाएं, इधर आ जाएं, थोड़ा सा और आगे आ जाएं बाबर, थोड़ा आगे कर लो, तो हमारे पास जगह ही जगह है, पूरा जेल है पूरी टीम के लिए। इधर कर लो थोड़ा सा, इनका कटहरा आगे कर लो। हाँ बहुत सारे लोग आ गए माशाल्लाह, बस सही सही। और पूरी सेंट्रल जेल यहीं पे है। अब मलिक साहब बड़ी बड़ी बातें की नहीं जाती है, कहाँ गए मलिक साहब? पनिशमेंट, आवाज बंद हो गई आपकी तो। पनिशमेंट हो सकती है, रुक जाओ, अंदर ले गए सबको। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब सिद्दीकी बॉस, आप आए हुए हैं एज ए गेस्ट केआरपी के लिए, तो मैं चाहूंगा ये डिसीजन आप लें, कैप्टन नहीं, पूरी टीम को एक पनिशमेंट देते हैं, हाथ ऊपर करवाते हैं, गाना बजाते हैं, हमारी टीम डांस करेगी, तब तक इन्हें सजा मिलेगी और उसके बाद सब आजाद। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, सही है। मुर्गा नहीं ना यार, बस हाथ ऊपर करवाएंगे और जश्न मनाएंगे, तो जश्न शुरू कीजिए और हाथ ऊपर। हाँ तो हमने कभी स्कूल में ऊपर नहीं, यहाँ करने पड़ेंगे बेटा वरना आउट। चलो शाबाश, हाथ ऊपर, आ जा,
अले मुझा मारुड़ा हम जा जोगियड़ा जा सांगियड़ा मारुड़ा बेड़ा मोहजा मारुड़ा सोहेड़ा मोहजा मारुड़ा लहूती मोहजा अले अले मुझा मारुड़ा जोगी आया मुन सजता 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 गाए गाए ब्या अल्ले अल्ले मुझा मारुड़ा अमुझा जोगियड़ा अमुझा सांगियड़ा मारुड़ा बिचेड़ा मुझा मारुड़ा सोहेड़ा मुझा मारुड़ा लाहौती मुझा अल्ले अल्ले मुझा मारुड़ा अल्ले 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 मुझा मारुड़ा हाथ ऊपर अल्ले अल्ले मुझा मारुड़ा ओके एक मिनट ऐसी भी क्या जल्दी है पूरी टीम कान पकड़ के अपनी सीटों पे वापस जाएगी चलो ये क्या बात हो गई कान पकड़ो और वापस कान पकड़ के वापस जो नहीं पकड़ेगा वापस जेल में डालो साहिल वापस जेल में कान नहीं पकड़ कर आए हाँ 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 मैंने सुना नहीं आ जाओ वेरी गुड फहीम भाई कहाँ हो बड़ा सुकून मिल रहा है दिल गार्डन गार्डन से हो रहा है बैठ के वापस है ना जेल की रोटी हजम नहीं होती है किसी को ये बात सही है सा हो रहा है अपना कैप्टन चेंज कर लो अभी भी टाइम सिद्दीकी बॉस आपका शेर नहीं आया यार बड़ी देर से सोशल मीडिया पे डिमांड आई है उसके बाद हम सोशल मीडिया स्टैट्स भी शेयर करेंगे सलमान भाई तुमने तो अना का मसला बना लिया है तुम लोगों ने अना का मसला बना लिया है भाई तुमने तो अना का मसला बना लिया है और इस तरह से करके तुमने क्या पा लिया है मोहब्बत है ये अंजाम तो होना ही था बेवफाई का चमाट भी हमने खा लिया सर क्या हो गया हरजीत होती रहती है बिलाल 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 माजरे के साथ सर ये शेर 5 साल पुराना है वही को बोल बोल के इन्होंने अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए हुए तो सर न्यू शायरी होनी चाहिए सिद्दीकी साहब कुछ जवाब 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 है फैजल भाई मेरी कोई 1200 शायरियां हैं बस मसला सिर्फ ये उसके लिए शऊर और थोड़ी सोच फैजल भाई फहीम भाई जी जी बोले बोले कहाँ है कहाँ एक तो आप पता नहीं बोलते कहाँ से यार मेरा भी शेर है बिलाल बहुत बोल रहा है ना इसको मैं चुप करवाता हूँ तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे तुम्हारी हर बात का जवाब देंगे अगर हम अपनी पे आ गए ना खुदा की कसम तुम्हें तकलीफ बहुत देंगे वजन नहीं था भाई डब्बे में डब्बा डब्बे में पकौड़ा डब्बे में डब्बा डब्बे में पकौड़ा चिचोरा ठीक है यार बाल थोड़े नीचे करो पीछे ना गिर जाए आपके मुंह पे बात अच्छी भाई आप कैप्टन है भाई ओ भाई भाई आप क्या इसे यकीन नहीं आ रहा ये कैप्टन है यार बात सुन ओ भाई मैं ना हरा हरा थक गया ओ भाई मैं हरा इसको एक बाइक दो यार बाइक लाओ बाइक लाओ एक बाइक दो इसको बाइक तोड़ा इस बंदे को यकीन ही नहीं आ रहा ये कैप्टन है सर सर बाइक पकड़ से पकड़ो आओ बैठो माइक लो इनका माइक लो मलिक माइक लो आओ इन्हें बाइक का चक्कर दिलाते हैं चलो आ जाओ इसको डायरेक्ट जिसके घर पे ही पहुंचा दो अरे भाई गिरा दे ना अच्छा ठीक है आ जाओ आ जाओ आ जाओ शाबाश 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 अबे 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 भाई लेकिन आज तो पीछे बिठा देते हैं इसके बस अब ये कैप्टन है इसे यहां पे बिठाए रखो सर सर फहीम भाई कहां हो कुछ बोलना था बोले इसी बाइक पे सैफ को बिठा के जहां से आए वहां भेज दो वैसे कैसे काम कर रहे हैं नहीं 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 वापस नहीं ये बेचारा आज इसको भी चाबी देकर भेजा गया है चाबी ये होती है अपने बंदों को रखो काबू में अच्छा ज्यादा हो फ्री नहीं ये चैंपियन लीग WWE नहीं यार ये अपने अपने बंदे का चश्मा तो उतार के तो फल गई एक मिनट भाई एक मिनट आप लोग बहुत ही ज्यादा जोश में आ चुके हैं एक मिनट बहुत ज्यादा तकरार हो गई है अब मैं आप लोगों को एक दूसरे से जबान दराज नहीं करने दूंगा हम जा रहे हैं एक वक्फे पर मारो
हाँ भाई, तो हो गया सबका डांस शांस, हो गया पूरा सब कर लिया। वेलकम बैक, एक मरता फिर आपको शामिल कहते हैं चैंपियंस लीग में, जहां पर हम देखने जा रहे हैं आप स्कोर लगाइए कौन सी टीम के क्या स्कोर है। देखिए भाई, भाई ना दिखाएं तो अच्छा है, सलमान भाई ये कह रहे हैं ना दिखाएं तो अच्छा है, क्या वाकई ऐसे स्कोर हैं? लेकिन वैसे थोड़ी शर्म आनी चाहिए, मेरा ख्याल है दिखा देना चाहिए। या अल्लाह यार, सही कह रहा था ये लड़का, तो तुम्हारा स्कोर तुम्हारे मुंह की तरह ना है। और सोशल मीडिया स्टैट्स भी दिखाएं जरा, सोशल मीडिया की अभी दिए दिए वक्त हो जाना चाहिए। कहां है सोशल मीडिया स्टैट्स, आएंगे ना, कब आएंगे? आ रहे हैं। क्या लगता है भाई फहीम भाई, बिलाल के लिए शेर है? मैं फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मलिक साहब कुछ नहीं बोलेगा। फहीम भाई जी, बिलाल के लिए शेर है, चले आप शेर सुना दें जब तक। पापे डबल रोटी मक्खन, पापे डबल रोटी मक्खन, बिलाल लग रहा है गटर का ढक्कन। बस तुम यही करना, तालियां बजाते रहना पूरे शो में, कुछ करते नहीं। बिलाल कोई जवाब आप देना चाहेंगे? और जिसने ये शेर बोला है ना, वो खुद बहुत बड़ा। मेरी खामोशी तूफान का रूप जब लाएगी, तो क्या पता ये शो ही क्या पता फिर खतरनाक ना हो जाए। यार ये बिस्ती ग्राम, आपको पता है भाई मैं जब भी बोलता हूँ खतरनाक बोलता हूँ, क्या पता कैमरा बैंड ना कर दे। तुम भी क्या गजब खाते हो, मेकअप करके आते हो, एहतियात से बोलना जी। तुम भी और यार, हमारी टीम समंदर की तरह है, ऊपर से खामोश और अंदर से तूफान है। अरे वाह, चैंपियंस की खाला। अभी तो जो अभी जो मंजर दिखाया, सिर्फ तूफान था, जलजला अभी बाकी है मेरे दोस्त। वो तो पता चलेगा जलजला है कौन सा जो दिखाया वो जलजला। ये इन्होंने तो बस पहुंचाया, ये जलजला, ये जितना भी ये जलजला, जितना भी जोर लगाओगे बंदर की तरह पिंजरे में रहोगे भाई। अब हम पहले देख लेते हैं सोशल मीडिया भाई के लिए है, उसके बाद बहस करते हैं भाई। सोशल मीडिया स्टैट्स दिखाएं सलमान भाई, जल्दी से सोशल मीडिया स्टैट्स। 58% जी सैक, जैसे आप हमें लगातार वोट करते आ रहे हैं, इसी तरह वोट करती रहेगा, और इंशाल्लाह इस बार हम अच्छे से खेलेंगे और आप लोगों को जीत के दिखाएंगे, आप लोगों को भी खुश करेंगे इंशाल्लाह। और जैसे आप लोग वोट कर रहे हैं, इसी तरह करते रहिए, बहुत शुक्रिया आपका। और अब हमारे Q2 बोलेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते आदाब। जहाँ भी मेरे फैंस हैं, चाहे वो हेटर्स भी हैं, तो वो हमारे फैन बन जाएंगे। आज फिर से आपने मेरी जबान को इज्जत दी और हमको वोट दिए, थैंक यू वेरी मच। ओके, नए खिलाड़ी उमर, उमर और साहिल की अपील, बाबा बाबा अपील होगी अभी, अपने फैन से अपील कीजिए कि आपको वोट दें। थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट किया, मुझे उम्मीद नहीं थी वैसे। और ये फाइनल नहीं है रिजल्ट, अभी और देते रहें और बेफिक्र हो जाएं, देते रहेंगे वो, आप टेंशन ना लें इंशाल्लाह। पब्लिक इसी तरह मचाएंगे, वोट करते रहो, मचाएंगे और इनको रुलाएंगे। केआरपी, मैं चाहूंगा आप लोग भी रिक्वेस्ट करें, सिद्दीकी बॉस अपने फैंस को बोल दें वोटिंग करनी है जी केआरपी। बिल्कुल जी, वो कैमरा आपका, केआरपी को आपने वोट करना है। और मैं पब्लिक का उनकी तरफ से भी शुक्रिया अदा करूंगा कि बेचारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे रिजल्ट देखने के बाद, अभी बोल पाए हैं, तो आप थोड़ा सा हमें सपोर्ट करते ताकि अभी फिलहाल अपील करो यार फहीम भाई, अभी वोट मांगो बॉस। एक मिनट, अपील के दौरान कोई नहीं बोलेगा। बात ये कि हम लोगों ने करके दिखाया विविन, सो आप लोग उन्हीं को वोट करें जो गेम अच्छी खेल रहे हैं, तो जो करके दिखाएगा वो जीतेगा। अच्छी गेम खेलने वालों पर कौन अच्छी खेल रहा है सैफ कैप्टन, आपने अपील करनी है भाईजान, अपील करनी है, खड़े हो जाएं, थैंक यू। हाँ अपील करें। थैंक यू सो मच, जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट किया और आप अपील क्या हो रहा है, एक मिनट अपील में कोई नहीं बोलेगा, आप करें अपील। मैं आपको भी बताता हूँ, एक मिनट, जब फैन से बात होगी कोई नहीं बोलेगा। सपोर्ट करना है आप लोगों ने, अभी हम आप लोगों को जीत के दिखा रहे हैं। बस जो अच्छा खेलेगा उसी को सपोर्ट करें प्लीज, आप लोग शो देख रहे हैं, जो अच्छा परफॉर्म करेगा, जो टैलेंट है उसी टैलेंट को सपोर्ट करें, हर किसी को सपोर्ट करेंगे तो। ओके, दोनों कैप्टन आ जाएं, टॉस होगा। कैप्टन बहुत ठंडे है वहाँ का, कैप्टन में जान नहीं है भाई, कैप्टन ने बोला जेल भेज दूंगा, मैं जेल भेज दूंगा। एक मिनट अब्बा एसपी लग गया है, मैं जेल भेज दूंगा। ये क्या होता है सर, और अगर बेटा तुम ऐसे खेलते रहे तुम्हें घर भेज देंगे यार, ये बात।
देखो ये हैवी आ गई है, फिर से इन्हीं की कॉल आएगी। एक हैवी देना जरूरी होता है। हेड आपकी कॉल है। गेम बताएं कौन सी है, गेम बताएं कौन सी है। आप खेलें, आप खेलें। अरे इसमें तो दोनों साथ खेलेंगे, टॉस क्यों करवाया यार। ओहो फिर कोई और गेम ले आओ ना अगर रेडी हो तो। हाँ हाँ अभी टॉस कर लिया, टॉस के लोग जीत चुके हैं। मुझे पहले बताते ये है, इसमें तो एक साथ खेलना है। और ये साहिल भाई आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, टॉस वाली गेम आ गई है। और किधर है, भागो, सुना दे भाई सुना दे। रोहा के फेस का दीवाना है जमाना। किसके? रोहा के फेस का दीवाना है जमाना। वो सुनी नहीं रही, किसको सुनाऊं? इसे कंप्लीट कर दो। रोहा के फेस का दीवाना, रोहा के जमाना है, जमाना है दीवाना, जमाना है दीवाना। वो सुनी नहीं रही जिसे है सुनाना, वो सुनी नहीं रही। खत्म। अब सुनाएंगे, अब सुनाएंगे, अब रुक जाओ, अब पहले गेम सीख लो कौन सी है। आओ भाई बात सुनी यार, ऊपर जाके बैठ थे लेना यही। आपकी फ्री भी हो गई है। चलो गेम सीखो, गेम सीखो। हाँ इसको सीधा कर दो, ये जरा ज्यादा मुश्किल हो गया था। ठीक है साहिल, आप लोग टॉस जीते हैं, खुद खेलेंगे या उन्हें खिलाएंगे? वो खेलेंगे, वो खेलेंगे। कौन आ रहा है मलिक? साहिल आएगा। साहिल आ जाओ, साहिल एक गेम, आखिरी गेम। आप कोई एक उन्हें हेल्प कर सकते हैं? साहिल, साहिल रेडी एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। उठ जाएगा उधर जाके बैठ। शक्कर बटावे, हाथ नहीं लगाना, मोरा पिया वो हाथ नहीं लगाना है। शक्कर बटावे, मोरा पिया वो से बिलड़ गयो, शेर को हाथ नहीं लगाना है। मोरा पिया वो से बिलड़ गयो, गिड़गिड़ हाथी दूर होता सी चलन पे दिल पे आसी, गिड़गिड़ हाथी दूर होता सी चलन पे दिल पे आसी। लो ठंडा रे आज, लो ठंडा रे आज, लो ठंडा रे। टाइम आप, टाइम आप, टाइम आप। चार हो चुके हैं, पांचवा वहां पहुंच गया है। ठीक है ऐसे तो दस कर ले भाई, ऐसे तो दस कर लो। हाँ चार हो गए, पांचवा यहां तक पहुंचा है। कौन आ रहा है साहिल? फहद, फहद आएगा। ये खेल चुका है बेटा ये गेम। क्या हो गया, रिपीट नहीं होगी ये? या तुम आ जाओ सर, जल्दी जल्दी सर। फहीम भाई पांच तक गिनूंगा, पॉइंट्स वहां दे दूंगा। एक दो यार, यार आ गए, चले 3 2 1 गो। हुल हुल रे नैना तारे, हंसी मस्ती रंग उतारे। हुल हुल रे नैना तारे, हंसी मस्ती रंग उतारे। दिल पर दम कम लिखी दम कम कम न जो चार जो बारे। तू ठंडा वे आज, दिल ठंडा वे, मोरा पिया मुझे मिलन आयो। दिल बटा रे मोरा पिया मुझे मिलन आयो। फाइनली जी सैक एक गेम जीत चुकी है, तो जश्न इनकी तरफ से हो जाए। अरे यार मोरा पिया मुझे यार, मैंने अभी अभी नोटिस किया साहिल यहां है, अब्दुल रहीम यहां है, इधर आ जाए एक जैसे कपड़े। करण अर्जुन भाई एक जैसे कपड़े, वो बलून की टोकरी लेकर आए जरा।
बलून की टोकरी लेकर आए यार, ये तो एक जैसे कपड़े, ये तो बड़ा जबरदस्त काम हो गया है। बलून का है इसमें, फाड़ दिए सारे। अबे यार ये अपना गेम खेल रहा है पीछे बैठ के, बच्चे में सारे बलून खुद फाड़ देता है। ओके नो प्रॉब्लम, माइक दे दीजिए प्लीज। एक एक पॉइंट के लिए पुशअप्स लगेंगे अभी दोनों के। एंड थ्री टू वन गो। तीन चार पांच छह छह आठ आठ नौ, काउंट करो, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, तुम इसके काउंट करो, अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस गया तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस, रुकना नहीं है, पच्चीस सत्ताईस, एक पॉइंट अब्दुल रहीम का एक जैसे कपड़ों पर। म्यूजिक भाई। यार जीतने के बाद भी ये वाला डांस करते हैं जो हारने वाले करते हैं, क्यों? कल का किस्सा है, मैं और लाओ माइक दो रहीम भाई को। हाँ रहीम भाई को माइक मिल गया, चेक करो चल रहे सब चल चेक रहा करो चेक करो आप ठीक है। मैं और रहीम कल बाजार जा रहे थे, मैं और रहीम कल बाजार जा रहे थे बिल्कुल, तो मैंने एक शख्स को देखा उसके साथ बंदर था, मैंने कहा यार ये कितना प्यारा बंदर है कहाँ से लिया है, उसने बोला पहले तुम बताओ तुमने अपना वाला कहाँ से लिया है। इधर 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 जाना नहीं है, नहीं 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 अब मैदान छोड़ सुन लो, मर नहीं जाना सच की मत जो ऐसी बात, बोलो बोलो। खाली गली में भागता हुआ जा रहा था मेरे यार, एक बार एक बात सुने, एक मिनट मिनट कंप्लीट करो, साफ बोली सुनाई नहीं, कोई कोई टेंशन नहीं है, नहीं नहीं सुनाई नहीं, हम समझ रहे हैं हम समझ रहे हैं, समझाओ सुनाओ। एक दिन ये गली में भाग रहा था, मैंने बोला कहाँ जा रहा है, बोला चोर को पकड़ने, मैंने बोला चोर के पीछे कोई खाली हाथ नहीं जाता, दो किलो आम लेकर गया। और सर सर उसी आम से मैं बताऊं इनके घर पे जिस दिन एक किलो आम आता है पहले ही थाने में रिपोर्ट दर्ज कर देते हैं कि हम भाई घर में लड़ेंगे। अगले दिन भी भागता हुआ जा रहा था, मैंने बोला कहाँ जा रहा है, बोला बहन के घर, मैंने बोला बहन के घर कोई खाली हाथ नहीं जाता, दो बंदे साथ ले गए। तो वो तो मुलाकात के लिए जा रहे हैं, वो तो मुलाकात के लिए जा रहे हैं, इसमें क्या हो गया भाई। देखो जब भी बहन के घर जाओ कभी खाली हाथ ना जाओ, बिल्कुल सही बात है, मिठाई लेके जाओ टोकरे लेके जाओ, वो तो भाई बहनें तो भाइयों की शान होती हैं, लेकिन आप लोग जो आम की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूं हमारे शो में कोई आम नहीं खाएगा, चलें वापस जाएं। ओके तो अब हम अगली गेम कौन सी आ रही है भाई हमारे पास, उसके लिए टॉस करने की जरूरत नहीं है, ले आइए यहाँ से तो हमाद ही आएगा मुझे पता है जी, भाई हमने दो गेम मिस कर दी, कटहरे में कोई नहीं गया है। तुम क्यों गए हो मेरे दोस्त, तुम्हें जेल जाने का इतना शौक क्यों, इन लोग ने भेजा है मुझे तो मुझे पता है, चले कोई बात नहीं, लेकिन गेम अभी उन लोग ने भेजा नहीं है, मैं तो तफरी में बैठा हूँ, तुम ही लोग जीते हो याया, ये गेम तुम लोग जीते हो, ये जो आएगा उसको मारना भी तो है, नहीं तो अब बराबर हो गया ना, एक गेम वो जीते थे उसका बंदा हमने भेजा नहीं, एक गेम आप जीते तो अब बराबर हो गया, बाहर आ जाओ। और यहाँ से कौन आ रहा है, मलिक कौन आ रहा है, याया को किस, अच्छा याया खुद गया था अंदर, आप बताएं कौन आ रहा है, नहीं एक जेल नहीं भेजना है, अमात को अंदर जेल नहीं भेजना है, ओ भाई ओ भाई थोड़ा स्लो हो, पेपर नजर आ रहे हैं, मुझे क्लियर करने दो, हुआ क्या है हमने दो गेम मिस कर दी, जेल भेजने वाली ठीक है ना, और टीम से भी जरा मिस हो गई, हमने भी मिस कर दी, क्यों नया नया फॉर्मेट है, आप जब गेम जीते उनमें से कोई नहीं गया जेल,
ये गेम जीत चुके हैं अभी एक पॉइंट के लिए जो मैंने इम्प्रूव करवाया था, तो आप में से भी कोई नहीं जाएगा जी। ठीक है, ठीक है सर। अब से हम इस बात का ध्यान रखेंगे, कि जो भी गेम खत्म होगी सलमान भाई आप मुझे बताइएगा, हम जेल भेजेंगे। अभी कौन आ रहा है आपकी तरफ से? ये आएगा साहिल। बाबर पहले एक बार ट्रायल नया है, न्यू कंटेस्ट। बाबर दिखा रहे हैं गेम, बाबर दिखा रहे हैं, नो प्रॉब्लम। जॉन बॉल उठा लेना, गिर जाएंगी। गिर गई बस। आज कितनी है इसमें? 30 है। चलो भाई उठाओ बॉल, उठाओ सारी, समझ गए? खाली करना है, जितने रह गए उस पे कॉम्पिटिशन है, वो काउंट होगा। ठीक है, एक और एक वहां पर भी है, एक वहां भी है, दोनों ले आओ। चले तैयार है आप लोग? एक गेम किया है ना पहले, आ जाओ जल्दी से। म्यूजिक। अच्छा अच्छा, इन्होंने एक गेम पहले खेला था, इन्होंने एक गेम पहले खेला था, तो हमने सोचा एक कौन सा खेला था, इसने कौन सा गेम खेला था? सोलो तो नहीं था ना? अरे हाँ, इनका हो चुका है, साहिल का हो चुका है। अब कौन आ रहा है? उमर। उमर आ जाओ, उमर तुम आ जाओ। तुमने सीख लिया ना कैसे खेलना है? ऊपर भी जंप करना होगा। ठीक है, हम आप तैयार हो? यहाँ आ जाओ, एक मिनट रेडी होने दो, बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं करो। चलो आ जाओ, आ जाओ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जंप 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 जंप। बस हम मात जीत चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसमें एक्सपर्ट है। बहुत अच्छा खेला, बहुत अच्छा खेला, लेकिन अब जेल जाने का वक्त आ गया। ये गेम हमाद की फेवरेट गेम है और हमाद हमेशा इस गेम को जीत जाते हैं, पता नहीं क्यों और कैसे। ये एक क्वेश्चन है जिसे हम एक राज है, इसे राज ही रहने दो। तो साहिल यार, सैफ यार, आ जाओ यार, तू कैप्टन है भाई, अल्लाह की कसम कैप्टन है, फील कर कैप्टन है, अंदर से फील लाओ। हाँ, कैप्टन प्लैनेट, ही इज द हीरो, पॉल्यूशन एंड डर्ट ब्रिंग डाउन टू जीरो, कैप्टन प्लैनेट बन जाओ। ठीक है, कौन जाएगा जेल बताओ? इसको भी ना यार, कैप्टन है भाई, खुद डिसाइड कर ले। ये डमी कैप्टन बनाया किसी ने? आ जाओ यार। कौन? साहिल, वो तो गेम खेल चुका है। अरे भाई देखो, मैं तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ करना क्या है। जो बंदा गेम खेल चुका है तो दोबारा सोलो गेम खेलने आएगा ही नहीं। जिसने सोलो गेम नहीं खेली उसे कैद कराओ ना, ताकि फायदा तो हो। दोनों की साइड से यही बता रहा हूँ। अब हो गया। ये इनका क्या नाम है? अब तो साहिल को आपने कह दिया है भाई, साहिल कह दिया। अब उनके कैप्टन ने एतराज कर लिया कि मैंने क्यों बताया, तो अब साहिल ही आएंगे। साहिल एतराज करता हूं, अच्छा नहीं लगता साहिल। एक बार इधर आना ओ भाई। यार मुझे सिद्दीकी साहब, सिद्दीकी बॉस का शेर सुनने दो यार। सिद्दीकी बॉस, बड़ी देर हो गई, महफिल में बड़ी कमी है। सर नॉर्मली होता ही है कि लड़कियों को जो है वो इज्जत जो है वो थोड़ी कम दी जाती है, तो दो लाइनों का एक शेर है। अरे वाह भाई, सारी लड़कियां खामोशी। लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है। वाह, जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। दोबर्रर, ये अनवर मसूद साहब कहते हैं, दोबारा और मुकर्रर को मिला। लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है, बेशक। जूते की नोक पे रखते हो, गालियां देते हो, तुम्हारे खानदान का पता लगता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत आला। अगली गेम कौन सी आ रही है लेकर आए? लेकिन उसके लिए टॉस होगा। क्या टीम गेम है? अरे टीम गेम है, ले आए ले आए ले आए भाई, टीम गेम आ रही है। अपने खिलाड़ी को बाहर निकालने का मौका मिलने वाला है। सारी चेयर्स पीछे जाएंगी, खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ भाई, खड़े हो जाओ, तेरा गिरने वाला है। हमाद का अपना ही खेल चल रहा होता है सहेलियों के साथ। बॉल क्या हो रहा है हमाद? कुछ बातें राज की हैं, राज रहने देते हैं। चलो आ जाओ, वॉलीबॉल किस किस ने खेला हुआ है? कैप्टन्स, मुझे चार चार खिलाड़ी चाहिए पहले राउंड में और दूसरे राउंड में चार चार और। बिलाल तुम्हारी जरूरत आ गई है, तुम बाइक चला रहे हो, चलाओ 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 चलाओ, एंजॉय करो। मलिक चार चार, दो राउंड होंगे आपकी टीम, आप डिपेंड करता है अगली चार में फिर चारों लड़कियां खेलेंगी, मिक्स कर लें या फिर। लेकिन मतलब लड़कियों को भी खेलना है इस गेम में। चार चार डिफरेंट डिफरेंट मुझे खिलाड़ी चाहिए, चार इसमें होंगे, चार अगले में होंगे।
ठीक है, फाउल और आउट दोनों गिनोगे आप, बिल्कुल सही है। किसने क्या डिसाइड किया है यार? सदर भाई आपको गाना सुना देंगे, ये लोग तो डिसाइड करते रहेंगे। क्या सुना रहे हैं? गालियों के अलावा जो सुनाना चाहें सुना दें यार। आपी भाई जो है ना वो फिर आपको बताए ना कुछ क्या सुनाना चाहेंगे। चले भाई टाइम स्टार्ट होने लगा है, एक मिनट। चार खिलाड़ी कौन है आपके? जल्दी से चार आपके भाई। मैं गेम स्टार्ट करने लगा हूं मलिक, पॉइंट लूज हो जाएगा आपका, पॉइंट चला जाएगा। 5 4 3 2 1 गेम स्टार्ट, लेट द गेम बिगिन। फाउल हो गया है। पीछे पीछे टोला तेरे पीछे पीछे आनिया, होके मजबूर तेरे तन लैण में बाणिया। इश्क ना रोक बुरा है, इश्क ना रोक बुरा तेनू जब चढ़िया है। सोड़े पॉइंट पॉइंट। चलें टीम शफल करें, स्कोर अनाउंस कर रहा हूं मैं। क्या स्कोर हैं? 7-5 केआरबी जीत रही है। 7 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं आपके। दूसरी टीम आ चुकी है। सोड़िया दिल का मामला होने लग गया सी। बॉल 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 बॉल। ओके जी टीम शफल। मलिक मेरे पास टाइम नहीं है, बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे 4 नए लोग चाहिए। तो तुम खेलो ना, तुम्हें तो पता है। हाँ खेलो, तुम्हें मालूम है, तुम खेलो। एक हटा दो, चलो। ओके 3 2 1 स्टार्ट। टाइम ऑफ 7-4 केआरपी जीत चुकी है। ये 3 पॉइंट्स भी, यानी फिर से पूरी जी साइक की टीम जाएगी कटहरे में। उससे पहले जशन। सोड़िया दिल का मामला।
गेम की बारी आएगी तो कमर लचक जाएगी। ओके, आप लोग यहाँ खड़े, सब लोग यहाँ आ जाए, पनिशमेंट का टाइम है, मिलेगी। और इस बार आपकी पनिशमेंट मैंने ऐसी डिसाइड की है, मैं बताऊंगा, केआरपी नहीं बताएगी। आपकी पनिशमेंट मैंने डिसाइड की है, बेटा जब गेम खेलने का टाइम था तब तुम इस गुब्बारे की तरह ही फूस हुए थे और हार गए थे, इसलिए अब इसे रख दो, चेयर पे बैठो आराम से। आपने, सब लोगों ने खामोशी के साथ पूरे एक मिनट तक सिद्दीकी बॉस के सारे शेर सुनने। चलो, बड़े बड़े पुराने लग रहे थे ना तुम्हें बिलाल, है ये तो सिद्दीकी नहीं, नहीं, नहीं बैठ के थोड़ी, ये तो मेरी पनिशमेंट कैसे हुई, खड़े रहे चले, और कान पकड़ के वापस जाना है। मैं तुम्हें हैरान न कर दूं तो कहना, आहा, और नींद में भी परेशान न कर दूं तो कहना, मेरी मौत की खबर तो तुमको हिलाई देगी। मैं तेरी दुनिया भी न कर दूं तो कहना, पनिशमेंट की तरह खामोशी से हाथ बांध के, ठीक है चलो बस। हसीन मौसम है, मंजरे यार का इंतजार करता हूँ, और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। जब फहीम भाई ने एक मिनट का टाइम दिया तो एक बड़ा शेर सुना देता हूँ बेटियों के लिए, कि अपने जिगर के टुकड़े को कोई काट के जुदा करता है ये वही समझेगा जो बेटी को विदा करता है, और माफ करना कोई कसर रह गई हो तुम्हारी जरूरत में, बाप भी इंसान है थोड़ी तो खता करता है। अब फहीम भाई बेटी जवाब दे रही है, कह रही है नन्नी परी को पाल के इतना बड़ा कर दिया, बाबा मैं तो रानी थी मुझको ही जुदा कर दिया, और वो जो रुखसती के वक्त आपने दुआएं दी होंगी उन्हीं दुआओं ने खुशियों से दामन भर दिया, आप रोना ना मैं आस पास रहूंगी, हर बुरे वक्त में मैं साथ साथ रहूंगी, मैं जानती हूँ कि आप प्यार बहुत करते हैं, मैं बेटी हूँ ना इसलिए दिखाने से डरते हैं, और बाबा वक्त कभी भी अक्सर रहता नहीं, बहुत सी बातें बाप तो कहता नहीं, बाबा वक्त भी एक वक्त को दगा देता है, पर बेटी का वो रिश्ता है जो ता उम्र वफा देता है, पर बेटी का वो रिश्ता है जो ता उम्र वफा देता है। अब ये एक बड़ी अच्छी सीख आप लोगों को मिल चुकी है, कान पकड़े वापस अपनी जगह पर बैठे और जीतने की कोशिश करें, ठीक है मलिक साहब, दो बिलाल कान पकड़ के जाना है वरना वापस कटेरे में चले। बात जो सिद्दीकी बॉस ने की है मेरे ख्याल में सबको सुनना चाहिए, क्योंकि हम वापस उस माशरे की तरफ बढ़ चुके हैं जहां बेटियों को इज्जत नहीं दी जा रही है, तो बेटियों को इज्जत दीजिए, बिल्कुल दीजिए, क्योंकि बेटा सिर्फ उस वक्त तक बेटा रहता है जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और बेटी उस वक्त तक बेटी रहती है जब तक उसकी जान नहीं निकल जाती। तो तमाम बेटियों को और उनके बाप को मेरा सलाम। अब नेक्स्ट गेम के लिए फहीम भाई जी, भाई बात करनी है, बंदे में शर्म होती है, इनमें वो शर्म ही नहीं है। नहीं उन्होंने खामोशी से सुना है। नहीं भाई, फहीम भाई हार कितना गया है? नहीं वैसे फहीम भाई इस पे हंसना था। नहीं नहीं ये बता दिया, आप देर से आए, काम वापस चले गए, वैसे बता दिया, अब आप अखरोट तो हमारा बिल्कुल कसूर नहीं है, तो दिए लेके जलाने वाले थे। यार सब लोग एक मिनट चुप हो जाओ, सब लोग एक मिनट चुप हो जाओ भाई, एक मिनट चुप हो जाओ, पहली बार जरा बोल रहे हो, उसे बोलने दो यार, लोगों का हंसना बनता ही नहीं है, पहली मरतबा बोल दिया उसने, ठीक है अब आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं, नेक्स्ट गेम ले आए, बोलने दो बोलने दो यार, ये कोई नई गेम आ रही है, हंसी नहीं आ रही, हंसी नहीं आ रही भाई, हंसी नहीं, नई गेम आ गई भाई, नई गेम आ गई, ये फहीम भाई मैं खुद को गुदगुदी दे रहा हूँ भी फिर भी हंसी नहीं आ रही, पता नहीं क्या ठंडे जोक मार रहे हैं। फहीम भाई हरीम के लिए शेर है, लाओ हरीम, तुम भी क्या गजब ढाती हो श्रृंगार करके आती हो, तुम भी क्या गजब ढाती हो श्रृंगार करके आती हो, नए नए कपड़े पहन के आती हो फिर भी चुड़ैल की माँ लगती हो। यार बेवजन और बेहुदा शेर, फजूल फजूल शेर है, फजूल शेर है, बेकार शेर है, यार कंबल मंगाओ, 25 कंबल मंगा लो सबके लिए, इतना बेवजन पीछे देखो, कुछ तो ख्याल कर लो अपनी टीम के बंदे का ही ख्याल कर लो यार, ये नई गेम आई है, सीखो कैसे खेलना है, बाबर क्या करना है, बाबर बताओ क्या करना है, ओरे ओरे भाई ये बंदा कहां बैठ के सोचता है ये गेम्स, ओह तो खुद भी नहीं हो पा रहा, ओ नो भाई नो भाई, बाबरा एक तो करना पड़ेगा तुम्हें, एक तो करो भाई, भाई ये तो इंसाफी है, एक तो करना पड़ेगा सर, ये तो इससे नहीं हो पा रहा, वो कैसे भाई कर रहे हैं ना, ये एक भी हो जाए तो काफी है, वरना दोनों को एक एक पॉइंट मिलेगा, हो गया मलिक भाई की बोलती बंद हो गई, ये बस एक ट्रिक है, ट्रिक समझ लीजिएगा, हो जाएगा टॉस कराएंगे, टीम गेम के बाद टॉस, टॉस होगा, आ जाओ ओ गरीबों के रणबीर कपूर इधर आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ये कभी रणबीर कपूर कभी कबीर सिंह, इसका खुद का कोई वो नहीं है वजूद, भाई कोई रणबीर वनबीर नहीं है, सारे यहाँ के पाकिस्तानी होंगे, आओ गरीबों के फवाद खान, सिंघम है, चलो लेडी सिंघम, गरीबों का फूड पांडा, एक ब्रांड नहीं मेरी जान, ब्रांड ये गरीबों का सिंघम, ये लेडी सिंघम, इसने बंदा रखा है बोलने के लिए।
चलो कैप्टन तुम्हारी कॉल है, कैप्टन साहब तो या बबल गम हेड इट इज। आप खेलोगे इन्हें खिलाओगे? ये लोग खेलेंगे बाबर, ये पकड़िए। कौन खेलेगा मलिक? मलिक अहमद, अहमद खेलेगा। अहमद ओके, अहमद आ जाओ, कैप लगाइए, सीख गए। कोई एक यहाँ आ जाओ, बॉल जो है वो इन्हें देते रहो, ठीक है। बाबर आप लगाओ, ठीक है। चलो तैयार हो, एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। दूर दूर है मैं एक तारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। निकाल लो, निकाल लो, निकाल लो, एक हो गई। फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया। फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया। तुरंत ने बैठ के टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। दो हो गए हैं, दो हो गए हैं। चलो आ जाओ भाई, कौन आ रहा है आपकी तरफ से? साहिल कैप्टन सैफ। यार मुझे साहिल क्यों याद आ रहा है इस बंदे के ऊपर? क्या है, बहुत सारे साहिल हो गए इस वजह से, है ना। ये कटघरे में से कौन निकला है भाई? साहिल आजा, पूरी टीम के साथ निकले थे। ओके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो रेडी हो सैफ? तैयार हो? नहीं वो बैठ के खेला, बैठ खेल लो, खेल लो, कोई बात, जैसे खेलना है खेलो अभी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। फूलों ने किए हैं सजदे, तू जब भी चमन में आया। फूलों ने किए हैं सजदे, आराम से उसका कैप खराब किया। चमन में आया, रिकॉर्ड बनाओ, रिकॉर्ड बनाओ। सबने है तुझे बनाया, वो होने का वो शैबाना, तेरे इश्क ने हमको मारा। तुम ट्विटर से हो, मस्त आंखों को कैसे कहूं पैमाना। तेरी मस्त मस्त आंखों को कैसे। निकालो निकालो, टाइम अप, दो और हैं। रिकॉर्ड इधर लाओ, इधर लाओ, इधर लाओ। एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। हुजूर है मैं एक तार, तेरे इश्क ने हमको मारा। एक बात कहूं दिलदारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। तेरे इश्क ने हमको मारा, तेरे इश्क ने हमको मारा। ओके ओके मलिक साहब, अब कुछ कहेंगे आप? फहीम भाई जी, मैंने कहा अब कुछ कहेंगे आप? एक मिनट कैप्टन, हमारे जो कैप्टन है यार, इधर आ जाओ भाई, इधर आ जाओ। मैंने इस कैप्टन के बारे में जितनी भी बातें कही थी मोस्टली नेगेटिव थी, मैं शर्मिंदा हूं और आपसे माजरत चाहता हूं, और इसके लिए मैं खुद जेल जा रहा हूं भाई, ठीक है। आपने आज कैप्टन इनिंग के लिए कमाल किया, बताओ किसे जेल भेजना है? नहीं मैं तो कहता हूं इन्हें घर ही भेज दे, तो वो तो आप देखो फिनाले पे भेजना। अभी किसे भेज रहे हो? अभी 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 बिलाल पूरा नहीं आएगा, नहीं मैं बाहर आ जाऊंगा फिर यार। गरीबों की शायर लोधी, बात सुनो। बिलाल, हम अपने सारे हीरोज और पर्सनालिटीज की इज्जत करते हैं। हाँ गरीबों का है, गरीबों का, गरीबों का है, ठीक है। चलो गरीबों के कौन है भाई? कौन आ रहा है माइक में? बोलो तरसी शक्ल भाई, ओ भाई, ओ भाई, यार सुन लो इसकी, कोई सुन लो यार। वैसे आपकी तरसी शक्ल मुझे लग भी रही यार। सैफ जल्दी कर लो, मैं जेल में हूँ। बिलाल, बिलाल आ जाओ, बिलाल, और बिलाल के लिए म्यूजिक, म्यूजिक, सैड म्यूजिक।
फहीम भाई अगली गेम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम चाहते हैं जल्दी इनका बंदा बाहर आ जाए। मैं ये कह रहा था कि लास्ट टाइम जो है फर्स्ट एपिसोड में मुझे याद है अहमद ने चैलेंज दिया था स्क्वाड्स का, मैं जो है उनकी टीम को चैलेंज दे रहा हूँ कि मेरे साथ कोई सर के बल खड़ा हो जाए, जो मैक्सिमम देर तक खड़ा होगा वो जीत जाएगा। अगर वो चैलेंज भाई इधर आ जाए, मलिक साहब चैलेंज आया है, इन्होंने दिया था हमने एक्सेप्ट किया था। जी जी वो कह रहे हैं सर के बल कोई मेरे साथ जितनी देर तक खड़ा रहेगा चैलेंज दे रहा हूँ, जैसे आपने स्क्वाड्स का चैलेंज दिया था। ये बंदरों वाले काम करते, ये बंदरों वाले जाके किया करो ये गेम शो, ये बंदरों वाले काम हमसे चैलेंज है यार, बहुत हार्ड। अभी बंदर वाले ही काम करके एक एक करके ये बंदर वाले काम ही देंगे ना यार, एक एक करके। एक मिनट अभी अभी इसका बात मानूंगा, कल बोलेगा दरख्त पे चढ़ना है, परसों जंप लगाना है, ये कर्तव्य वो सर्कस में करते थे वहां जाके करो। बोल दिया भाई, नहीं चीज है, चीज बस। एक मिनट मालिक देखो, तुम्हें यहाँ जो 3 घंटे झेल लेते हैं बहुत है, इसके बाद जो है ना तुमसे मेरा कोई बात करने का भी मूड नहीं है, कि बाद में तुम्हें बोलूंगा दरख्त पे चढ़ो, यहाँ चैलेंज एक्सेप्ट करना। मैं मर रहा हूँ, मुझसे बात करो, मैं मर रहा हूँ, कोई इसको समझाओ ये मुझसे बात करे, मैं मर रहा हूँ। देखो अपनी कोयटा की आपा, इसको बोलना मुझसे नाराज नहीं हो, बोलो ये भीख किसी मजार के आगे जाके मांगे यहाँ पे काम नहीं बनेगा। भीख कौन मांग रहा, नीचे बैठे हुए भीख कौन मांग रहा है। एक मिनट, गेम तुम लोगों से खेल ही नहीं जा रही ठीक से, चैलेंज करके दिखा दो यार, कुछ तो कर लो भाई, कौन आ रहा है? कुछ तो कर लो अबे, कुछ तो कर लो, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है, गेम खेल के जवाब दो। रहीम भाई, रहीम भाई खेला था, तुम खेलोगे? खेला था ना, आप लोगों ने पहले खिला सकते हो, इससे पहले गेम नहीं खेला था सर, वो इम्प्रोव था, पुशअप्स लगवाए थे मैंने, हम पहले खेलेंगे, वो मैंने पुशअप्स लगवाए थे, इसके अलावा कोई गेम नहीं खेला है। रहीम सोलो पहले आप खेलेंगे, ठीक है, पहले ये खेल रहे हैं, ये सैफ इधर आओ, ये मिक्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ओके चलो। एंड रहीम योर टाइम स्टार्ट नाउ। खेलो बाबर का टाइम से पहले हो गया। नहीं नहीं ये आपने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना था अब्दुल रहीम, और आपने नहीं तोड़ा, एक जता कर दी, 6 ही आपका फॉर्मल रिकॉर्ड भी रहा है। आइए कौन जवाब देगा? कैप्टन मलिक, कैप्टन मलिक, मलिक 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 मलिक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मलिक हेल्पर हेल्पर हेल्पर, बस करो, एक हेल्पर चाहिए, बाहर आके गिर जाएगा, एक हेल्पर चाहिए इनके लिए। रेडी एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। दीवानों की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, दीवानों की कहानी सुन लो मेरी जुबानी, लंबी रातों में भर भर जाता है पहले रिजल्ट अनाउंस कर दें या आपकी शेर जाए, मुशायरा बाद में करा लेंगे हम, हैं? एक मिनट माइक में
मैं लगा रहा था, मैं बड़ा लगा सकता था। मैं गिर गए ना, तो अल्फाज ही मुंह में फंस गए सर। लगाया किसने? मैंने लगाया, वो पता नहीं कैसे गिर गए। वो कैसे गिर गए? हमने यहाँ से फूंक मारा था फिर गिर गए। तुम्हारे फूंक से बलून नहीं उड़ सकता, ये कैसे गिरेगा भाई? तुम एक जोक्स होते हैं ना, वैसे ये गेम भी ऐसे ही खेलते हैं। ये हुआ है आज पहली बार इस शो में कि ये चीज हुई, इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए अभी मुझे मेरी टीम ने बताया है कि जो चटखरियां गिरी हैं वो काउंट होंगी इस हिसाब से। यस, सुनो 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 सुनो, इस हिसाब से होते हैं 7। लेकिन 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 मुझे ये रूल फेयर नहीं लगता, इस वजह से वो काउंट नहीं हो रहे, क्योंकि अगर वो काउंट हुए तो बड़ा ही अनफेयर हो जाएगा मलिक साहब। मैं मेरी सिंपथीज आपके साथ हैं, यकीन जाने। नेक्स्ट टाइम कैसे हुआ हम कबूल कर लेंगे। अब मैं उनसे पूछ लेता हूं, एक मिनट रुक जाएं, मैं उनसे पूछ लेता हूं। मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। इस बार ऐसे हुए। मुझे बात करने दें भाई। कैप्टन साहब, मैं काउंट नहीं कर रहा हूं, एक पॉइंट है। मेरी टीम कह रही है काउंट होता है, लेकिन अभी सरप्राइज आया एक आपके सामने, मुझे नहीं लगता कि उसे काउंट होना चाहिए। क्या आप इन्हें दे रहे हैं ये मार्जिन, बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहेंगे? मुझे इस पे तरस ही नहीं आ रहा, मैं कैसे दूं? नहीं देना चाह रहे? नहीं, एक मिनट, जो देना चाह रहे हैं से यस, हाथ उठाएं जो देना चाह रहे हैं। मैं एक शेर मारूंगा इसको। हाथ उठाएं जो देना चाह रहे हैं। 2, 3, 4, 5, 6 लोग तरस चाह रहे हैं। ये पॉइंट आपका हो, आपका हुआ ये पॉइंट। बगैर तरस की हुआ यार उन्होंने। एक मिनट, सेलिब्रेशन नहीं होगा, एक शेर होगा। नहीं, हमें तरस नहीं चाहिए अपना। नहीं तरस नहीं है, शेर है। शेर पॉइंट आ चुका है। अच्छा, मुझे आना पड़ेगा। न बड़ी बड़ी बातों से, न जीत जीत बोलने से, हम ये चैंपियंस लीग जीतेंगे अपने नेक इरादों से। इसमें शेर कहाँ था? बाय द वे, इधर आए। सिद्दीकी की बॉस इधर आए। इस शेर को सही करें जरा, इन्होंने जो दिया है ना आड़ा टेढ़ा सा शेर, ये होता है। एक मिनट, इसको जरा पहले दुरुस्त तो करवाने दे। हमें पता है वो शेर है ही नहीं मलिक साहब। वो शेर था ही नहीं सर, वो बिल्ली था। हाँ, जीत जीत बोलने से हम ये चैंपियन ना, ना बड़ी बड़ी बातों से, ना जीत जीत तोलने से, चैंपियन लीग जीतेंगे तलफ्फुज को तोलने से। ऐसा कुछ ये थोड़ा सा वजन आया इसमें, ज्यादा नहीं आया भाई, थोड़ा सा वो लाइन राइम नहीं हो पा रही है। ठीक है जी, आप लोगों को ये पॉइंट मिल रहा है, आपका बंदा बाहर, वापस आपको दिया जाता है। बिलाल आ जाओ वापस। नहीं नहीं, तुम क्यों लेके जाओगे? फहीम भाई, मेरी तरफ से शेर। अब क्या है? नहीं नहीं, शेर नहीं आएगा आपका, नहीं, अगली गेम आएगी। गेम ले आए, चले, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम बिल्कुल भी। ज्यादा से ज्यादा गेम्स खेलेंगे। अब्दुलरहीम, इतनी मेहनत अगर तुम अपनी गेम पे लगाओगे ना तो जीत जाओगे। नहीं, जीते हुए तो है, अभी तो एंड में किस्मत का खेल आना है, असल गेम तो वहां पता चलेगी। अरे ये भी नया गेम, सरप्राइज टेस्ट यार, ये करके दिखाओ यार, ये कैसे करना है टीम? ओके, देख ले क्या है भाई। ये लो, ये देख लो ये गेम ध्यान से। ओके, कोऑर्डिनेशन चाहिए इसमें, कोऑर्डिनेशन चाहिए। वेरी गुड यार, इसकी ड्यूरेशन बढ़ाओ सलमान, इस गेम की ड्यूरेशन बढ़ाएं। 90 सेकंड करें, ये एक मिनट का गेम नहीं है, इसे 90 सेकंड करें। ये बहुत स्लो वैसे ही चल रहा है, टर्टल वॉक है। आप खेलेंगे या इन्हें खिलाएंगे? आप लोग लास्ट पॉइंट मिला है, ये लोग खेल ले। कौन आएगा? नहीं, वो जीते हैं ना, पॉइंट आपने उन्हें दिया है। कौन आ रहा है जल्दी बताएं? ये बॉल, वो ग्लास आप देख रहे हैं, आपके हाथ में रहेगी, हाथ में रहेगी। आप जैसे इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, हाथ में बॉल को रखें, जेब में रखें, कुछ भी करें, आपने बॉल वहां ले जानी है। ठीक है, चलो कौन आ रहा है? याया और हमाद, चले आ जाए। कोई एक इन्हें बॉल थ्रो करे। तैयार हो? रेडी? एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। उच्चिया मजा जा लिया, तेरी मेरी गलना बड़ी, तेरी मेरी गलना बड़ी।
आपका स्कोर रहा 1-3 पॉइंट। जीतने का बेहतरीन मौका जी सैक के पास है, दो स्कोर करें और जीत जाएं। कौन कौन आ रहा है, कौन कौन? साहिल और अहमद, बेस्ट केमिस्ट्री अभी तक की देखी गई है साहिल और अहमद। चलें, आ जाओ अहमद। दोनों रेड शूज पे आए हैं, बल्कि तीनों आए हैं, बिलाल भी आए हैं। बिलाल, मैं चाहूंगा कि बॉल आप ही पास करें ताकि जूतों की जोड़ी बन जाए। तैयार है? 3-2-1 गो। तू है सारे जग तो सोना, तेरे वर्गा और नहीं। तू है सारे जग तो सोना, तेरे वर्गा और नहीं। तेरे ते आया सपना, तेरे ते कोई और नहीं। तेरे होने सहेली हम नाचें। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स टीम गेम, 3 पॉइंट्स जा चुके हैं वहां। टीम गेम जीतने पर आपको बताया पूरी की पूरी टीम कटघरे में जाती है, तशरीफ ले जाइए सारे के सारे। आइए सिद्धि की बहुत साफ। ट्राई करना चाह रहे थे और जेल यात्रा पे भी कोई एक शेर सुना दीजिएगा हमें। ट्राई करना चाह रहे थे, कैसा लगता है यहाँ पे आके? हाँ, फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। थोड़ा आगे कर दो बाबर, कट खेरा थोड़ा सा आगे कर दीजिए। सब कट करे के अंदर ही चाहिए हमें, थोड़ा आगे कर दें तो अच्छा। सब आए, सब है, सब है। सर एक थोड़ी रिक्वेस्ट है, करें इधर आ जाए। सदी की बॉस को हम तो चेयर पे बिठाना चाहते हैं, हैं? हम इनकी दिल से रिस्पेक्ट करते हैं सदी की बॉस की। सदी की बॉस को आप नहीं जाना चाह रहे? सदी की बॉस आपके लिए बहुत सारी तालियां। मैंने बहुत से देखे हैं अंगूर, मैं बोलना चाह रहा हूं कुछ, मैंने बहुत से देखे हैं अंगूर, लेकिन आज पहली बार देखा है हमाद जैसा लंगूर। जेल में पनिशमेंट सिद्धि की बॉस को आपने रिस्पेक्ट दिया, वहां पे बिठा दिया, बड़ी अच्छी बात है। पनिशमेंट भी फिर उन्हें डिसाइड करने देते हैं, ठीक है? क्या लगता है? हाथ उठा के खड़ा करते हैं, पहली वाली सजा। चले भाई आ जाए आप सब लोग, एक मिनट के लिए आप लोग पार्टी करेंगे और ये लोग पनिशमेंट में आएंगे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर सैफ, हाथ ऊपर। म्यूजिक पनिशमेंट है। हाथ ऊपर, डांस नहीं, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। डिस्टेंस, 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 डिस्टेंस। हाथ ऊपर, चले पनिशमेंट पूरी हो गई, आप सब लोग जा सकते हैं। अब्दुल रहीम, हमाद और याया यहीं रुकेंगे। नहीं 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 सर, मेरे कान पकड़ के आएंगे, कान सारे कान पकड़ के आएंगे ना। वापस आए, वापस आए भाई, कान पकड़ के वापस आए। किसी ने कान नहीं पकड़ा था अभी अभी, सब कान पकड़ के। दुर्दाना माही, चलिए 3-2-1। अच्छा भाई, अब इन तीनों का मसला ये है, म्यूजिक सुनते ही इनका डांस निकल जाता है। इन्हें पनिशमेंट दी गई है, इन्हें कहा खड़े रहो, ये लगे हुए हैं ठुमक रहे हैं मजे से। अब इनके लिए 30 सेकंड तक का एक पीस बजा दिए, यहीं खड़े खड़े तीनों नाचते रहो, अपना शौक पूरा कर लो। हाँ आहा।
क्या नाचते रहो नाचते रहो नाचते रहो। और नाजरीन इसी के साथ जा रहे हैं हम एक वक्फे पर, लेकिन पार्टी यूं ही चलेगी। नाच चैंपियंस लीग में, जहां पर अभी तक केआरपी का पलड़ा बहुत भारी है और जी सैक वापस आई है, कमबैक किया है, बड़े अच्छे तरीके से वापस आए हैं। तो क्या लगता है भाई, कुछ आप लोगों का मोराल बुलंद हुआ? बस जीत लिए शुक्र है, हौसला अफजाई हो, हौसला अफजाई बहुत हुआ, इंशाल्लाह अब कोशिश करेंगे जीतने की, करेंगे जीतने की पूरी टीम। ओके, मैं चाहूंगा कि आप अपने फैन से अपील कर दीजिए, वो रहा आपका कैमरा। ओके, जैसे आप लोग हमें सपोर्ट करते रहे हैं, वोट करते रहे हैं, हमेशा आपने हमें वोट किया है, हम जीते हैं वोट के हिसाब से, तो अभी भी आज भी हमें आप लोगों की वोट की सख्त ज़रूरत है। जैसे आप लोग वोट कर रहे हैं उसी तरह हमें करते रहिए। वो फाइनल डिसीजन नहीं था, वो उन्होंने बताया उस टाइम हम वोट में आगे थे, लेकिन अभी भी हमें आपकी वोट्स की बहुत बहुत ज़रूरत है। जो देख रहे हैं लाइव शो, ज़रूर हमें जाके बोल के वेबसाइट पर हमें वोट करें। ओके, वेरी गुड। अपने फैन से आप रिक्वेस्ट करना चाहेंगी कि आपको वोट किया जाए? चाहूंगी जैसे आपने हमें पहले वोट किए, बिल्कुल इसी तरह हमें वोट करते रहें। ओके, थैंक यू। आप लोग कौन करेगा? आप करेंगे? हम लोग जो है अपना 100% दे रहे हैं यहाँ पे गेम्स खेल खेल के, तो आप लोग भी जो है इसी तरीके से हमें सपोर्ट करें, ताकि जो सोशल मीडिया के दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो भी हम जीतें, और इनको जो है वाइट वॉश करके हम लोग हराएं। वाइट वॉश कर दें, वेरी गुड। सिद्दीकी बॉस, मैं बस इतना चाहता हूँ कि बोल की जो वेबसाइट है उसको हैंग कर दे, इतनी वोटिंग करें ताकि वो लोग बिल्कुल ना हैंग कर दे, मतलब फंस जाएं वो लोग, क्या करना क्या, ऐसी वोटिंग होनी चाहिए। ओहो, खतरनाक। खैर कोई मसला नहीं, आप कोशिश करवाइए हैंग करवाने की, हमारा आईटी बैकग्राउंड रहा है, इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। वोटिंग की बारिश होने दीजिए फिलहाल। बॉस साहब, हमारे जो फैंस थे वो कभी हैंग नहीं होते, वो ये बात तो बिल्कुल सही बोल दिए भाई। लेकिन आप लोग हैंग हो जाते हो। उमर भाई इधर आओ, हाँ हाँ इधर आओ यार, तुम कब से वहां पर बैठे हो यार, इतने प्यारे इंसान हो तुम, पहले क्या करते थे तुम, जबरदस्त तरीके से पर्सनालिटी भी आपकी माशाल्लाह इतनी अच्छी है, चिल करें। इसके सर में से तोता निकल रहा है, इसके सर में से तोता निकल रहा है। हाय, नेक्स्ट गेम ले आइए। सर क्या हम पॉइंट्स देख सकते हैं? आप बिल्कुल पॉइंट्स देख सकते हैं। सलमान भाई पॉइंट्स दिखाइए। अरे नहीं उसके यार, याया तुम गेम खेल चुके हो, ये तुम्हारी गेम थी। पॉइंट्स आ गए भाई, 13-5, नॉट बैड, 13-5 मलिक साहब, 13-5। ये गेम कौन खेलेगा आपकी साइड से? लेकिन आप लास्ट गेम जीते थे जी, रिंग पे जाने से पहले लास्ट हम जीते थे, लास्ट आप जीते थे जी जी, तो इनमें से किसी को बुलाना चाहेंगे, मतलब आप इन्हें कहेंगे कि पहले ये खेल लें? हाँ, पहले वो खेल ले, पहले आप लोग खेलें। कौन आएगा आपकी टीम से? सब आ चुके हैं यार इनकी टीम के, तो सिवाय सिद्दीकी बॉस के सब खेल चुके हैं। सिद्दीकी बॉस खेलना चाहिए क्या? नहीं सर, नहीं बहुत ज्यादा हो जाएगा। हाँ। सिद्दीकी बॉस नहीं हो पाए। क्या करेंगे अब आप? अब तो किसी लड़की को आना पड़ेगा। आयशा,
किसने नहीं खेला? हाँ यार, अबे उसके लिए स्टूल रख देंगे ना, लेकिन ये बहुत ऊपर है वहीं भाई, इसके लिए स्टूल रख देते हैं। माही गिर जाओगे बेटा, हील्स पहने हुए हैं आपने। सर नहीं, सर नहीं ले। जरनाब, आप में से किसकी गेम बाकी है जी? आप में से किसकी गेम बाकी है? लड़कियों की बाकी है, बिलाल की बाकी है। मेरी बात सुन, हाँ पूरी बात है, पूरी बात है। साहिल कुछ कहना चाह रहे हैं, एक मिनट रुक जाएं, बताएं। सर मैं चाहता हूँ कोई लड़की ये गेम ना खेले। अच्छा। हमारे लड़कों की गेम अभी बाकी बिलाल की, बिलाल की बाकी है और आतिफ की बाकी, आतिफ की गेम बाकी है जी। तो आप चाह रहे हैं वहां से किसी लड़के को चांस दे दिया जाए? ठीक है, फिर आप खुद बताएं कौन सा लड़का, खुद बताएंगे, आप खुद बताएं कौन सा लड़का खेलेगा ये गेम, बताएं। मैं बताऊं? एक मिनट, मैं जल्दी डिसाइड करें यार, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। मैं हमारे सारे प्लेयर अच्छे हैं। सैफ का जो उसका सैफ फहद, नहीं नहीं बोल, सिद्दीकी साहब मना कर रहे हैं बोलने, मैं नहीं खेल पाऊंगा। जल्दी बता, बोना क्या होता है यार? नेपोलियन का पता है ना, नेपोलियन दी बोनापार्ट। फिर तो तुमने लंबे होके क्या कर लिया? सारे प्लेयर तुम खड़े खड़े पंखे में हाथ देकर रोक देते हो, ट्यूबलाइट की स्टार्टर सही कर देते हो। साहिल, साहिल आ जाए इधर आए, बोले बोले बोले, जल्दी बोले। टक्कर का होता है अगर वो अपनी पसंद से लड़का कोई भी भेजे और यहाँ से फिर हम भी भेज देंगे अपनी पसंद। ठीक है, तो आपके तो लड़कों की बाकी है, चलें डिसाइड करें कौन आ रहा है। याया आ रहा है, ठीक है चलें, ओके डन हो गया। बहुत ही जबरदस्त, इनके लिए तालियां बजाएं भाई, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाया इन्होंने। चलो यार जल्दी आ जाओ, 3 2 1 गो। कोई करके बहाना सानू मिल महिवे, मिल महिवे, राता गया जा लड़िया, राता गया जा लड़िया, साडा कल्या नी लगदा मिल महिवे, मिल महिवे, राता गया जा लड़िया, राता गया जा लड़िया। कोई करके बहाना सानू मिल महिवे, मिल महिवे, सलमान कितने सेकंड में हुआ है ये गेम? 50 सेकंड में हुआ है, 49 सेकंड में करना है। बिलाल कौन करेगा, बिलाल या आतिफ? आतिफ करेंगे, 49 सेकंड्स में करना है। ओके चलो, कैप पहनो, कैप जल्दी 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 जॉन, जल्दी जल्दी, तेज तेज, धागा टूट जाएगा, कच्ची डोरों से बंधे हुए ये धागे। आ जाओ आतिफ यार, और ऊपर करो ना, उनके उनकी लेन बहुत ऊपर थी। हो रहा है, हो रहा है, मेरे तो पांचवी मंजिल पे बंधे हुए थे, ये लो ये आठवीं मंजिल पे आ गए बस। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मस्त निगावा तेरिया, मस्त अदावा तेरिया, मस्त निगावा तेरी, मस्त अदावा तेरी, दिल नु धड़कांदी रहंदियां रहंदियां, रातां ओ रातां गईयां जा लड़ियां, ओ रातां गईयां जा लड़ियां। कोई करके बहाना सानू मिल महिवे, मिल महिवे, ओ रातां गईयां जा लड़ियां, ओ रातां गईयां जा लड़ियां, साडा कल्या नी लगदा मिल महिवे, मिल महिवे, ओ रातां गईयां जा लड़ियां। कंटिन्यू कंटिन्यू जी। कोई करके बहाना सानू मिल महिवे, मिल महिवे, ओ रातां गईयां जा लड़ियां, ओके वेरी गुड, आप लोग जीत चुके हैं। बताइए कौन जा रहा है जेल? हाँ हाँ आपने बताना है, आधे घंटे तक नाचे हो तुम, फिर किस खुशी में नाचे हो, यही नहीं पता जीत गए? नहीं सर पता नहीं। हाँ कौन जा रहा है जेल, जल्दी बताओ। हाँ पहला पहला मौका मिला है, मलिक परेशान हो गया, किसको भेजो, किसे भेजोगे?
माइक में सब लड़कों का गेम हो गया, मतलब सबका हो गया जी, सबका गेम कर डाला है। हमाद का नहीं, हमाद ने खेला है ना भाई, उसका मोस्ट फेवरेट और कंट्रोवर्शियल गेम ने खेला वो खेल के तो गया है सर। ये हमाद ज्यादा बड़बड़ करता है, जिसको भेजे हमाद बेटा बड़बड़ करता हूँ, गेम्स भी खेलता हूँ तुम्हारी। जेल जेल कैदी हो, कैदी वाली जरा पर्सनालिटी भी रखो यार, फौरन भीकू मात्रे बन जाता है। चलो बैठो, इज्जत का भी फालूदा करवा दिया। ओके अब अगली गेम आप लोग बताएंगे आपने खेलनी है या इन्होंने, नई गेम है बड़ी मजे की, गेम लेके आए। पहले गेम देखते हैं। ले आओ, ये तो बड़ी बेहतरीन गेम आ रही है। आओ जगह बनाओ, बॉक्स हटाओ, चलो ओके ले आए। अच्छा पीछे से सब लोग हट जाएंगे प्लीज, क्योंकि डार्ट है ये, बचपन में ये गेम सबने खेला होगा, लेकिन वो छर्रे वाली बंदूक से खेलते थे ये, है ना। यहां हमने डार्ट से खेलना है। कितने चांसेस हैं? लोहा। एक मिनट तक, 30 सेकंड में 6 के 6, ज्यादा से ज्यादा जो जितने फाड़ ले, ठीक है चले आ जाए। टीम गेम है या ऐसे ही खेल रहे? नहीं सिंगल, सोलो सोलो है, ठीक है। आप खेल रहे हैं? पहले वो लोग खेलेंगे। चले भाई, सैफ कौन आ रहा है? फहीम भाई, आयशा और दुर्दाना, कोई एक जरनाब आ जाए। 30 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा बलून फटने चाहिए, ठीक है। चलो आ जाओ सैफ, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है, आपको पहले से डिसाइड करके रखना चाहिए कौन आ रहा है कौन नहीं। ओके 30 सेकंड का टाइम होगा, ज्यादा से ज्यादा टारगेट सेट करना है आपने, ताकि वो लोग उसे अचीव कर सकें या डिस्क्वालीफाई हो। 3, 2, 1 गो। मेरा बुलबुल सो रहा है, 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 शोर ना मचा। भाई एक तो ये लड़का भी कभी चुप नहीं करेगा। टाइम ऑफ, वोट चल रहा है, टाइमर, टाइम ऑफ होने के बाद, टाइम ऑफ हो चुका था, एक भी नहीं फाड़ा है, ठीक है। चलो एक, सिर्फ एक और जीत जाओ। 3, 2, 1 गो। हंस के बोल जरा, खिड़की खोल जरा, नजरे तो मिला मुझसे, बढ़ के दुनिया में कोई तेरा आशिक है बता। हंस के बोल जरा, खिड़की खोल जरा, नजरे तो मिला मुझसे, बढ़ के दुनिया में कोई तेरा आशिक है बता, है कोई तो बता। हो जाएगी तू पागल धीरे धीरे, धीरे धीरे आ पागल धीरे धीरे, धीरे आ पागल धीरे धीरे। बहुत 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 जश्न मनाए आप लोग, जश्न मनाए। होगी तुम हंसी लाखों में कहीं, इसका गम नहीं, हाँ प्यार से अगर देख लो इधर हम भी कम नहीं। होगी तुम हंसी लाखों में कहीं, इसका गम नहीं, हाँ प्यार से अगर देख लो इधर हम भी कम नहीं, हम कोई कम नहीं। आ जाएगा दिल पागल धीरे धीरे, धीरे धीरे आ पागल धीरे धीरे, धीरे 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 आबाद, धीरे 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 धीरे। चलो भाई बादल भी आ गए, बरसात भी हो गई, अब फहीम भाई मेरी शादी में काम आएंगे सारे, सारे काम आएंगे ना भाई। जेल कौन जा रहा है? क्या कह रहे हैं? जेल कौन जा रहा है? शादी करवानी है, बर्बादी करवानी है, ज्यादा बड़बड़ करता है तो इसको ही भेज दो। या माइक रख के जाना है। थैंक यू। जेल अब्रॉड, आओ कभी हवेली पे खुशबू लगा के बिरयानी खिलाएंगे। सदा में हम इसको कह सकते हैं, माइक रख, इधर ही छोड़ दिया। हाँ माइक छोड़ दिया। हाँ जेल जाओ, चिल करो। अब हम आज, हम जब से आए हुए हैं सिर्फ शेरो शायरी हो रही है, गानों का तो कोई मुकाबला ही नहीं हुआ भाई। हमारी टीम बैठी हुई है जज करने के लिए, ऐसे कैसे? दोनों टीम से दो दो सिंगर जो जेल में वो नहीं आ सकते, दोनों टीम से मुझे दो दो सिंगर चाहिए। एक मिनट तुम रुको, लास्ट गेम आप जीते थे, बताएं आप लोग आएंगे या यहाँ से बुलाएंगे? पहले वही गाएंगे। कौन आ रहा है? तुम रेडी हो ना? कैप्टन कौन आ रहा है? सॉरी कैप्टन कौन आ रहा है? कैप्टन जी जी कौन? दुर्दाना। कैप्टन दुर्दाना आ जाओ, जल्दी से आ जाओ,
कैसा लग रहा है मलिक जी सर, वापस आ रहे हैं आप लोग गेम? वापस बहुत खुशी हो रही है और इस बार जीत के जाएंगे इंशाल्लाह। तैयारी पूरी है? तैयारी पूरी है। ओके दुर्दाना, कौन सा गाना बताया उन्हें? जीना होगा मरना होगा, हम भी करेंगे। नहीं आप जेल में धरना करो, तुम जेल में अच्छे लगते हो। मैं आपके साथ, आपका साथ देने के लिए आ सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि याया एक बहुत ही अच्छे सिंगर है, इसलिए मैं, मेरी सिंपथीज इनके साथ हैं। हमारा सिंगर तो अंदर है, हमारा प्रेम खराब नहीं करो। चलो हमारा सिंगर तो अंदर, आप शुरू हो जाएं जल्दी से, अपना सॉन्ग बताएं और स्टार्ट। मेरे ख्यालों में छाई है सूरत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली भाली सी, रहती है वो यही कहीं, अता पता मालूम नहीं। कुकुकुरीना कुकुकुरीना छाई है एक सूरत मत वाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी बोली वाली सी। नहीं हार नहीं, वे भी कॉम्पिटिशन चल रहा है। ओके दुर्दाना वेरी गुड। यहाँ से कौन आ रहा है यार? ये कौन कह रहा है कि इनको रहीम अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां? तुम वही काम कर रहे हो, अपनों के लिए तो ना किया करो, दूसरों के लिए बचा के रखा करो। क्यों तुम्हारा डांस निकल जाता है हर म्यूजिक पे, मुझे ये बताओ। वहाँ एक ताल पड़ती है, यहाँ पे धमाल पड़ती है, हमारी सारी टीम ही ऐसी है। चले कौन आ रहा है? नाम रोशन करने के लिए साहिल आ रहा है। आ रहे हो साहिल, कौन सा गाना बताओ? आतिफ असलम का सॉन्ग है तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं कहां, कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले। चलो मेरा सॉन्ग कॉपी कर रहा है भाई भाई। ओ चले स्टार्ट। कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, कैसे जीऊंगा कैसे बता दे मुझको तेरे बिना, तेरा मेरा जहां ले चलूं मैं वहां कोई तुझको ना मुझसे चुरा ले, रख लूं आंखों हट जाओ, हट जाओ। दोनों टीम्स की लड़कियां पीछे वाली सीट पे चली जाओ। जीना होगा मरना। फौरन नेक्स्ट सिंगर कौन है? फहीम भाई आ जाओ। फहीम भाई कौन सा गाना गाओगे? मेरे को क्यों अंडर डाला, मेरे को बाहर निकालो। आप जेल गए, आपकी पनिशमेंट है, हम क्या कर सकते हैं? आपकी टीम जीत जाए आप बाहर आ जाएंगे। इधर आ जाओ इस्मो, यहाँ खड़े रहो। बताओ उन्हें कौन सा गाना है। बता दियो, आया ना तू। तुम कभी ना कहोगे क्यों ना हम ही ये बोल दे, हो कहाँ ये बताओ, हम वहाँ चल के आ जाएंगे, बैठे बैठे मौसम खिले थे जहाँ तेरे मेरे। यार गाने दे, गाने दे, गाने दे, गाने दे, आप गाएं तो सही। चलें इसमें शुरू करें, बस कर दो यार, डिस्टर्ब नहीं करो यार कोई भी प्लीज। तुम कभी ना कहोगे क्यों ना हम ही ये बोल दे, हो कहाँ ये बताओ, हम वहाँ चल के आ जाएंगे, बैठे बैठे मौसम मिले थे जहाँ तेरे मेरे रास्ते मिले थे जहाँ, बाहों में तेरी धुन चले थे जहाँ अगर ओ यार बस। मेरे ख्याल में आप वापस आ जाइए इस्मा, थैंक यू सो मच। वहाँ से कौन आ रहा है?
टीम जी सैक से कौन आएगा? ओके हरीम, कौन सा गाना हरीम? हरीम पी जाऊं, इसको पानी पिलाओ, पी जाऊं। शुरू करें, शुरू करें। मिटाऊं कैसे हाथों की लकीरों पर है जो लिखा, बताऊं कैसे मुझको है तो बस तेरा ही आसरा। रात काली बात बाकी अश्क की ये दिल सवाली, मन में मेरे तू ही तू है तो आजा साथिया। तेरी बातें बंदगी है, तू ही मेरी जिंदगी है, लम्हे तूने जो दिए हैं वही मेरी दास्तां। वेरी वेल डन हरीम, आ जाए अपनी जगह पर आ जाए, थैंक यू सो मच। जज करेगी हमारी म्यूजिकल टीम। फहीम भाई साहब, सब लोग अपनी अपनी जगह पर आ जाएं। कौन सर? वेरी सिंपल जी सर। चलो म्यूजिक 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 सेलिब्रेट करेंगे ना। सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के, ओ सानू नहर वाले पुल ते बुला के, और माई किथे रह गया साडी अखी च निंदरा उड़ा के, ओ साडी अखी च निंदरा उड़ा के, और माई किथे रह गया के। यार कितनी मासूमियत है इनकी, बेचारे कह रहे हैं हम डांस करने के लिए बाहर आ सकते हैं। फहीम भाई नहीं नहीं, वो जाएगा तीसरा बंदा जेल, कौन जा रहा है? तीसरा बंदा ये जो चिंपैंजी जैसी हरकतें करता है। कौन सर? इन्होंने सारे अच्छे प्लेयर जो है ना हमारे अंदर कर दिए हमसे। अब्दुल रहीम, अब्दुल रहीम आ जाओ, शाबाश, पिंजरे में बंद कर दो इसको। कितना डरते हो आप लोग। सलमान भाई मैं चाहूंगा कि अब आप हमें फाइनल स्कोर्स दे ही दीजिए, क्या हुए अभी तक, स्कोर्स अपडेट कीजिए। 9 points, व्हाट अ कमबैक। और सोशल मीडिया के स्टैट्स क्या हैं ये भी बताइएगा, ये फाइनल स्टैट्स होंगे, यानी ये 2 points किसके पास जा रहे हैं अभी हमें पता चलेगा। ये 2 points गए जी सैक के पास। अब ग्रैंड टोटल क्या है? मलिक यहां आ जाए, ग्रैंड टोटल क्या है? इलेवन थर्टीन, यानी आज किस्मत का खेल फिर से केआरपी खेलने वाले हैं। अफसोस फहीम भाई। जी भाई अब हम बाहर आ सकते हैं? अब भी आप बाहर नहीं आ सकते, अब तो आने। अच्छा एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, कैप्टन बुला लो। भाई अच्छे लग रहे हो? नहीं 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 एक एक करके बुला लो, इतना डरते हो आप लोग। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं, तो कोई पनिशमेंट देके बुला लो यार। अच्छा पनिशमेंट देके बुलाएंगे, पनिशमेंट देके बुलाओ। कान पकड़ के आ जाए, कान पकड़ के आ जाए, कान पकड़ के उछल उछल के बाहर आना भाई, कान पकड़ के उछल 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 के, जो नहीं उछलेगा वो वापस जाएगा। चले जा जाओ। हमने तो आने चाहिए था कैंगरू का, रोज का काम है, सिर्फ 2 bags एक्सचेंज हो सकते हैं। बाबर टेबल लाइए, आ जाए आ जाए आ जाए, 6 लोग। छ हो गए, 2 सर सारे उठाने जी, बकाया 6, मालिक 6 bags। जल्दी मालिक जल्दी, क्या लगता है सिद्दीकी साहब, क्या लगता है
बिलाल को लगता है इसमें रोटी होगी। माइक देना यार सिद्दीकी बॉस को, माइक दे सर लगने के लिए, पता हो जाए कोई शेर हो जाए। हसीन मौसम है, मंजर यार का इंतजार करता हूँ, वाह, और कोई तो उसको बता दे मैं उससे बेपनाह प्यार करता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। चले भाई छह बैग हो गए आपके भी, छह बैग हो गए आपके भी। अब आज जी सैक के लिए ये गेम जीतना बहुत जरूरी है। मलिक बहुत ध्यान से खेलना होगा। ओके सर। चांस आपके पास बहुत कम है। हमारे पास स्विप का चांस है। आपके पास नहीं है, सिर्फ उनके पास है। दो बैग हो सकते हैं। बाबर पानी दीजिएगा मुझे। अब पहला बैग कैप्टन सैफ किसका खुलेगा? जल्दी जल्दी। हमाद 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 हमाद, क्या आपको एक्सचेंज करवाना है? नहीं फ्री मत खोलो, एक्सचेंज करवाना है या खुलवाना है? गो विद माय बैग। खुलवाना है? यस। बैग लाएं जॉन, जल्दी से डॉन। हां थैंक यू। हाँ जी, तो हमाद लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, एक्सचेंज करवाना है या खोल दूँ? नहीं नहीं खोल दे। खोल दूँ? हाँ। क्या लगता है क्या होगा? किसका बैग खुलवा रहे हैं? हमाद। इंशाल्लाह माइनस होगा। इंशाल्लाह माइनस होगा। इंशाल्लाह प्लस। कितना प्लस होगा? प्लस सेवन। प्लस सेवन। माइनस फाइव। प्लस सेवन। प्लस है, प्लस है। मैं बैग देख चुका हूं। लास्ट टाइम अगर मैं तुम्हें ये ऑफर दूं कि एक्सचेंज करना है, क्या करोगे? नहीं नहीं करोगे? नहीं। एट पॉइंट्स, एट पॉइंट्स मैन। ओह उल्टा लग गया, कोई बात नहीं। ये एट पॉइंट्स कभी कभी हो जाता है, जल्दी जल्दी में। अब आपको नजर आ रहा है, ठीक है, ओके। भाई जी इसी कलर में दूसरा थान दिखाइए। मतलब मलिक साहब किसका बैग खुलेगा? वहां से नहीं, यहां से। यहां से साहिल खुद ही आ चुके हैं। नंबर छह नाम का कैप्टन। यार आप कैप्टन किस चीज के हैं भाई? नाम का। आपने तो कॉल नहीं की कि साहिल का बैग खुलेगा, फिर साहिल अपना बैग क्यों लेकर आए? साहिल ले गया, लेके आ गया, यानी उसको कॉन्फिडेंस है इसमें कुछ होगा। है इंशाल्लाह होगा, हमें यकीन है। आप लोगों को क्या लगता है? सिद्दीकी बहुत इंशाल्लाह होगा। मैं तो ओपोनेंट का बुरा ही सोचूंगा। बुरा ही सोचेंगे सर, बिल्कुल। आप जिसके साथ बैठे हो उस सफ में जरा मजबूत होना चाहिए। क्या लगता है? उस पांच रुपए वाले चूजे के बैग में आठ पॉइंट आ गए, साहिल के बैग में इंशाल्लाह ज्यादा है। अपने आप को देखा है तुमने? ये हमेशा शक्ल देख के पॉइंट्स बताते हैं। बीस रुपए की शर्ट सर, ये हमेशा शक्ल देख के पॉइंट्स बताते हैं। क्या कहा तुमने? चूजे के बैग में पांच पॉइंट्स आ गए। नहीं मैं ये आठ पॉइंट्स आ गए। यार ये बंदा जब भी कोई बात कहता है पलट के इसके ऊपर आती आती है। ऊपर नहीं है ना यार, किसने कहा था तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बात? फहीम भाई के बारह पॉइंट। यस किसने कहा था? मैंने कहा था एक्सचेंज कराओ। सर ये बारह कहाँ से आ गए? सैफ माही का बैग। माही का, माही आपका बैग। माही 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 मैं बताता हूँ, अगला तुम्हारा ही खुलेगा। माही एक्सचेंज करवाना है? नहीं सर। पक्का? बिल्कुल। क्यों? सिद्दीकी बॉस को लगता है एक्सचेंज करवाना चाहिए तुम्हें? साहिल नहीं मुझे नहीं लगता। कैप्टन आपको भी नहीं लगता? ओके इट्स अप टू यू। चार 21, 23, 23, 21, 23 और 24. चार पॉइंट। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमारा नेक्स्ट बैग किसका? नंबर फोर खोलेंगे। नंबर फोर रोहा। क्या लगता है क्या होगा तुम्हारे बैग में? माइक दो। रोहा बताओ क्यों लिया तुमने नंबर फोर? मैंने तो नहीं लिया। माइक ऊपर। मुझे तो साहिल ने पकड़ाया। किसने दिया? मलिक ने कहा था इसमें रोटी होगी। कैप्टन वो है, मलिक है। अहमद। अहमद हेल्पर ने, अहमद ने। अहमद क्यों तुमने नंबर फोर दिया? क्योंकि ये बचा हुआ यही था फोर ही। इसलिए मतलब आपको कौन सा नंबर चाहिए था? मैंने तो कोई चूज ही नहीं किया, इससे चूज पहले कर लिया था। आपने नंबर फोर लिया है अहमद के कहने पर, तो नंबर फोर हम अहमद को देंगे। अहमद आपका बैग इधर दें। नंबर थ्री सही है, इसमें कुछ बड़ा है ना? बस जितना भी बड़ा है यहाँ के पता चल जाएगा। आप अपनी मर्जी से कैसे बैग दे रहे हैं? क्या लगता है क्या होगा? माइनस हो सर। माइनस।
प्लस माइनस में आइए। देखा सर, अपने पास ये शख्स वो बैग लेके बैठा था जिसपे इसे सबसे वाहवाही मिलेगी और तुम्हें पता नहीं क्या दे रखा था। माइनस सेवन यार तुम। ओ यार कोई नहीं, एट दी एंड मलिक साहब यही बैग आपके पास आना था, चाहे किसी एक खिलाड़ी के पास आता, क्योंकि छह बैग शुरू के वो ले गए। कोई बात नहीं सैफ, उनका भी माइनस है। हमाद का बैग, नमक का फहद आ जाओ। फहीम भाई, मलिक का नमक का जहाज डूब गया। बेटा ये आप लाइव गए हुए हो? अच्छा क्या बात है, हम भी लाइव हैं। एक्सचेंज करना है फहद? पक्का? जी पक्का। फहीम भाई ऐसे ही बता रहा हूँ, कोई बड़ी बात नहीं कर रहा। जब भी सेवन किसी ने उठाया उसमें माइनस आया, होपफुली आज भी माइनस आएगा। बड़ी बात नहीं कर रहा फिर ये लोग बोले यार। ये बंदा जब भी बोलता है हमेशा इसके गले में क्यों पड़ती है ये बात आकर के। मैंने बड़ी इतनी बार मैंने तुम्हें मलिक मना किया, ये कहने से कि मैं बड़ी बात नहीं कर रहा ये नहीं होता कि आपने बड़ी बात नहीं की है। आपको पता होना चाहिए आप क्या कह रहे हैं। माइनस नाइन मैंने बोला था, ये नंबर ही ऐसा है। अगला बैग किसका होगा? पहले क्यों नहीं बताया, मैं बिरयानी खिला देता। कैप्टन मलिक अगला बैग मुझे चाहिए। अगला बैग कौन ला रहा है? 16 बराबर नंबर। अबे हमारे खानदान में ऐसा नहीं होता। उमर का बैग आ रहा है, क्या लगता है दुर्दाना क्या होगा, क्या होगा इस बैग में? सर अल्लाह करे मतलब की शक्ल बता रही है माइनस है। एक मिनट खामोशी सर। माइनस हो अल्लाह कितना? 10 माइनस हो। माइनस 10 होगा। ओके अगर मैं कहूं कि माइनस 10 मुझे लगता है तुम्हारे बैग में, इसे एक्सचेंज कर लो तो मानोगी मेरी बात? नहीं सर एक्सचेंज नहीं करना। नहीं करना नहीं। ओके लेट्स सी क्या जा रहा है। यार क्या ऑप्शन दिया था मैंने इस लड़की को। इंशाल्लाह प्लस है, इसमें प्लस है, प्लस 10 होपफुली। नहीं लगता है। क्यों नहीं मानी तुमने मेरी बात? गुब्बारे चले माइनस से अच्छा है। माइनस से तो बहुत अच्छा है, माइनस से तो। अगला बैग सैफ किसका होगा? दुर्दाना दोबारा ना आना। डोडियापा वी लव यू। एक्सचेंज करवाना है? नहीं सर इसी के साथ जा। सबसे वोटिंग ले लो, एक्सचेंज करवाना है बताओ भाई। ऑल इन फेवर ऑफ एक्सचेंज से यस? नहीं सर यही यही होगा। हरीम की शक्ल बता रही है, इसके बाद माइनस है। मेरी बात कोई मानता ही नहीं है यार, सीरियसली लेता ही नहीं है कोई मुझे। मैं बता भी रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ कि एक्सचेंज करवाना है या नहीं करवाना, करवाना है या नहीं करवाना, करवाना है या नहीं। माइनस फोर कौन? तुम खुलवा दो। 11 हरीम 11 खुलवा दो। तो खुलना तो है जो भी हो, कहीं से भी रख लो यार, अंदर उल्टे सीधे ही इंशाल्लाह प्लस। क्या होगा सैफ मियां? हमारा हरीम का बैग है। हरीम का बैग है, मेकअप ही है। मेकअप है क्या है? मेकअप हरीम वो कह रहे हैं तुम्हारे बैग में मेकअप है। मेकअप मेकअप और सर सर और उसको मेकअप की सख्त जरूरत है, अगर मेकअप निकला तो उसको भेज दो। अगर ऐसा है स्कोर्स बताइए। इनको माइक दे दो। स्कोर्स ये डेढ़ डेढ़ फुट के बंदे बातें इतनी कर रहे होते हैं, पता नहीं कहां आसमान छू लेंगे। बहुत फनी। 16 12 16 12 16 12 और अब 16 में प्लस कीजिए 3 19 सैफ अब्दुल रहीम या रहीम भाई रहीम एक्सचेंज करवाना है। दो एक्सचेंज पॉसिबल हैं, रहीम एक्सचेंज करवाना है? नहीं नहीं ये कौन? रहीम मेरी से करवा ले या मेरी से एक्सचेंज करा ले। ढूंढना पड़ता है या है कहां? हम चेंज करेंगे मेरी से चेंज करा। कौन सा बैग से? मेरा चेंज। कौन से बैग से? मेरी से बैग वो तो बैग तो दिखाओ, कौन सा रहता है? 10-4 नहीं हम नहीं दिखाएंगे बैग, हम नहीं दिखाएंगे।
नंबर नहीं दिख। 10 और 4 क्या करना है उसको दिखाओ कौन सा बैग है तेरा भाई। 10 और 4 है यार, कपड़े खरीदने आए हुए हो, अगला थान दिखाएं। 10 और 4 है। अबे 4 से करना भाई, समझ नहीं आ रही। जल्दी डिसाइड करना है आप लोगों ने, 10 या 4। 4 4 4 4 यहाँ ले आइएगा बाबर। 5 होने दीजिए। ये बैग तुमने किसे दिया था अहमद? मैंने ये जुराना को, सोहा को तुमने ये बैग दिया था, और सोहा से मैंने कहा था कि ये बैग तुम्हें दे दें, लेकिन तुमसे ये बैग अब्दुल रहीम ने ले लिया है। और कभी कभी डब्बों की कैलकुलेशन, बाखुदा मुझे नहीं पता था कौन से डब्बे में क्या है सीरियसली, लेकिन कभी कभी किसी नंबर को देख के ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है। क्वैक क्वैक। असल में फहीम भाई, असल में बत्तख की तरह येलो शर्ट पहनी थी, इसलिए येलो दिया था मैंने। क्वैक क्वैक कैप्टन, किसका बैग? बासु नंबर 5 को। ओके ले आइए। 5 क्या लगता है भाई, स्कोर दिखाऊं? स्कोर लगाएं। स्कोर केआरपी जो कि शुरू से सारी गेम जीत रही थी, अचानक किस्मत के खेल में इनका पहिया रुक गया। जबरदस्त। लेकिन अभी इसमें मुझे नहीं पता, -20 भी हो सकता है, +20 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, मैक्सिमम -50 भी हो सकता है, कुछ नहीं पता मुझे क्या क्या है, मल्टीप्लाई है, कुछ नहीं मालूम। तो देखते हैं क्या आने वाला। ओ अब्दुल रहीम, वहां से तो निकली डक, तुम्हारे स्कोर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जो बैग तुमने उन्हें दे दिया है उनका पूरा गेम प्लान चेंज हो गया इस बैग से। +7 +7 लास्ट बैग आया, चेंज करना है? नहीं भाई, ले आओ जॉन, ले आओ डॉन ब्रो। ओ जी सैक मलिक साहब, वापस आ गए गेम में आप लोग। इसमें माइनस होगा या नहीं लगता है? माइनस है, चेंज करें। 10 प्लस है इसमें। 10 प्लस है? हाँ। नहीं नहीं, किस किस को लगता है इसमें प्लस है? हमको लगता है ना, बाकियों की खैर। एक मिनट, किस किस को लगता है? 1 2 3 4 5 6 7 लोगों को लगता है इसमें प्लस है, लेकिन 4 लोगों को लगता है कि नहीं है। और नंबर 4 में निकली थी डक, कौन चाह रहे बता दो? ये 4 बैठे हैं, इन्होंने हाथ नहीं उठाया था, मेरे साथ जाना है। सिद्दीकी की बॉस ने भी नहीं उठाया हाथ। तो इसका मतलब है कि हो सकता है आज लकी ना हो। नहीं एक्सचेंज करवाना कैप्टन, फाइनल कॉल आपकी है। नहीं करवाना भाई, नहीं करवाना। अगर मैंने इस बैग को अभी खोल दिया तो उस बैग को खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले मैं वो बैग खोलूं। लाए, मैंने कहा था +50 भी हो सकता है, -50 भी हो सकता है, +20 भी हो सकता है, -20 भी हो सकता है। नंबर 10 तुम्हारे पास था, तुमने दिया, एक्सचेंज करने का मैंने कहा कर लो, तुमने नहीं किया, और नंबर 10 में इस वक्त मौजूद है टोटल क्या? सिद्दीकी साहब बताइए। अब तो माइनस में कोई शेर सुना दे सर, माइनस पे शेर सुनो। हाँ माइनस माइनस प्लस करके सुना दें। तुमने तो अना का मसला बना लिया, हाँ हाँ, और इस तरह से करके तुमने क्या पा लिया है? मोहब्बत है ये अंजाम तो होना ही था, बेवफाई का चमाट भी हमने खा लिया। हाय हाय हाय। अब आपके बैग में जो नंबर 10 है उसमें पॉइंट्स मौजूद है, नंबर 2 पॉइंट्स। स्कोर क्या हुआ? स्कोर क्या हुआ? 28 और 12। मलिक जब बड़ा बोल बोला है, मलिक की टीम हारी है। मलिक मैंने कहा है +50 और -50 जैसा अमाउंट भी मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है। अभी देखना ये आरा रीरी रारा रू जो आया है ना, आरा रू रारा हो जाएगा। तू
पांच मिनट बैठ जा, पहले डब्बा खोलना फिर बोलना जो भी बोला। तो जब भी बड़ी पानी वाली पिलाओ भाई को, डिसाइड होगी। याया साहब आपकी टीम का कहना है कि आप बहुत लकी हैं, हमेशा से लकी रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि आपके लक को हो सकता है किसी की नजर लग गई हो, है ना? ऐसा हुआ है ना? मलिक की लगेगी, हो सकता है ना ऐसा? जी जी। फिर मेरे कहने पर आपने एक्सचेंज क्यों नहीं किया? अपना डब्बा हर दफा सही निकलता है, 10 प्लस कभी कुछ। हर दफा सही निकले इसका मतलब ये थोड़ी है कि हर दफा भी निकलेगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह निकलेगा, आपके भी निकलेगा इंशाल्लाह। क्या होगा? 7 या 10 प्लस? 7 या 10 प्लस ये निकलेगा। अगर 10 प्लस भी हुआ तो आप हार जाओगे। 20 प्लस तो 20 प्लस होना चाहिए इसमें है? नहीं खोलो भाई, नहीं खोलो, नहीं खोलो, रख लो। नहीं होगा कल पे रख लो। इसमें मंकी होगा। क्या होगा? अभी तक आया नहीं। इसमें इसमें अहमद होगा। अहमद होगा सर इसमें। याया बंदर होगा इसके अंदर। अब मैं आपको बताऊं, वैसे सलमान भाई हमारे पास टाइम कितना रह गया है मुझे बताइएगा जरा। हमारे पास वक्त कितना है? वक्त की किल्लत है ऐसा ही लग रहा है। याया मियां आज तुम्हारा नंबर वन तुम्हें कहां ले गया है ये देख लो। देखो इनके -10 और इसी के साथ आप अच्छा अच्छा जश्न मना ले पहले आप सारे बैठ गए। देखो इनके सड़े हुए मुंह, देखो इनके सड़े हुए मुंह, देखो इनके सड़े हुए मुंह। ओके रिलैक्स रिलैक्स। क्या पूरा होगा अगली जुमेरात को आना? नहीं नहीं भाई, अगली मंगल को, जुमेरात को हम नहीं होते, जुमेरात को फैसल भाई होते हैं। हम अगली मंगल को ही आपसे मिलेंगे। लेकिन अब मलिक जी सर, साहब आ जाओ। कैप्टन्स बड़े बड़े हफ्तों के बाद, जहां तक मुझे याद पड़ता है 3 हफ्तों के बाद तुम गेम जीते हो। जी बिलाल भाई आपको कुछ काम है? हैं फिर बैठे ना, फिर बैठे ना। इसे कहते हैं टू द पॉइंट बेइज्जती। अभी तुम्हारी भी हो जाएगी, माइक नीचे रखो। कैप्टन से बात हो रही है खाली। बड़े दिनों के बाद आप ये गेम जीते हैं। जी जी बिल्कुल। 3 मैचेस हारे हैं, 3 वीक्स आप हारे हैं, उसके बाद आप यहां तक पहुंचे हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी? इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम भी हम जीतेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट गेम भी आप जीतेंगे। इंशाल्लाह टीम जो है उनकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो पा रही है। केमिस्ट्री इसलिए मैच नहीं हो पा रही थी क्योंकि कुछ न्यू कंटेस्टेंट भी आए थे। मतलब सब बेहतरीन खेल रहे हैं लेकिन ये बॉन्डिंग वो नहीं बनी थी। सबको लगता है कि अब ये जीत आगे बढ़ेगी। अभी ये जीत आगे बढ़ेगी इंशाल्लाह। ओके सैफ और सर 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 करनी है ना सर, इन्होंने गलती कर दी इसको कैप्टन बना के। ये बेचारा दही लेने दुकान जाता है, बच्चे से पैसे छीन लेते हैं, इन्होंने इसको कैप्टन बना दिया। यार ये दूसरी बार ये बात ये बंदा बता रहा है, मुझे लगता है ये बात मलिक के साथ हुई है। किसने पैसे छीने? नहीं नहीं सर, वैसे वैसे एक बात, दूसरी बार तुमने ये बात बताई। वैसे एक और बात सर, अगर अगर इसके पीठ पे झाड़ू बांधे पूरा मोर लगेगा। ये मोर लगेगा और वो मोर नहीं। अच्छा आ, अच्छा आ, आ, ये चिड़ियाघर हम बाद में खोलेंगे। अभी फिलहाल सैफ आपकी टीम हार चुकी है। आप लोग बहुत अच्छा खेले, बहुत ही अच्छा। ये स्ट्रेटजी हमेशा से जी सैक की रहती है, वो पॉइंट्स में हमेशा गेम्स में आगे होते हैं लेकिन किस्मत के खेल में पीछे रह जाते हैं। इस बार किस्मत का खेल आपके साथ नहीं गया लेकिन आप लोग बहुत ही अच्छा खेलते हैं और आगे भी खेलते रहिएगा। इसलिए दिल छोटा कोई भी ना करे, और तुमने कोई बड़ी बात नहीं करनी है, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं भाई। जब कहता है टीम हारती है गेम हारती है। और नाज़रीन आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि चैंपियंस लीग हफ्ते में एक दिन आपके पास आ रहा है। यहां हमारे पास दोनों साइड पर चैंपियंस ही चैंपियंस मौजूद हैं। एक जीसैक के चैंपियन है, एक केआरपी के चैंपियंस है, और अपनी पसंद के चैंपियंस को आप वोट कीजिए। साथ साथ ये भी ख्याल रखिए कि अच्छा कौन खेल रहा है, क्योंकि हमारा पहला क्राइटेरिया वोटिंग का ये होना चाहिए, जो टीम अच्छी खेल रही है उसे वोट करना चाहिए और जो टीम अच्छी नहीं खेल रही है उसे हम वोट नहीं करेंगे। मैं यहां से जाना चाहूंगा लेकिन इजाजत लेने से पहले मैं चाहूंगा सिद्दीकी बॉस का एक वो जो शेर इन्होंने बेटियों के लिए सुनाया था वो मस्त है सर। बेटी पे ही सर एक और शेर है वो सुना देता हूं। ले आए ले आए ले। हुई है बेटी जो पैदा, चलो फिर मारते हैं ना, कि अच्छी सी जगह देखे वहां पे गाड़ते हैं ना। अगर ये सोच रखते हो सुनो तुम कुफर करते हो, अल्लाह की वो रहमत है, तुम क्यों फिक्र करते हो कि बेटी घर जब आती है ठंडी छाव लाती है, अपना और घर का रिस्क अपने साथ लाती है। मैं जब देखता हूं लोगों की छोटे सोची हैं, इस्मतें बच नहीं पाती, बिनते हवा रोती है और मैज़े हशर उसके अजाब से कैसे बचोगे, मासूम बच्चियां उफ जहन्नुम में ही जचोगे। बड़ा ही पॉजिटिव मैसेज के साथ, क्योंकि आजकल हालात भी ऐसे चल रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं तो
सब लोग अपना ख्याल भी रखें, एहतियात भी करें, और इसके साथ साथ ऐसे लोगों की जिनकी सोच ऐसी है जो कि अभी सिद्दीकी बहुत साहब के शेर में जाहिर हो रही थी, वो इंसान नहीं हैवान हैं, इस बात का हमें पता है, उनसे दूर रहना भी ज़रूरी है। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले ट्यूसडे। लेकिन आपको ये भी पता चले एक हफ्ते तक आपने वोटिंग का सिलसिला जारी और सारी रखना है। मिलेंगे आपसे अगले ट्यूसडे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मैं जमालों से अल्लाह बचाए। हर बला हर बला हर बला सर पे आ जाए, लेकिन हर बला सर पे आ जाए, लेकिन उस बालों से अल्लाह बचाए। मस्त नजरों से अल्लाह